गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुनना है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 39 पे आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 39। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, तो बच्चे इन्वेंट्रीज के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब है। तो यहां पे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिख देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में हम लोग सीखते हैं कि भाई हमें इन्वेंट्री का कैसे वैल्यूएशन करना होता है, किस किस टाइप की मेरी इन्वेंट्रीज होती है। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है वो मेरा किसका है, इन्वेंट्रीज का है। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूं तो बच्चे ये आपके एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स कैरी करता है, 5 to 7 मार्क्स कैरी करता है आपका ये टॉपिक। तो ये टॉपिक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में जरूर से आता है, तो हमें इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो बच्चे, अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भाई इन्वेंट्रीज का मतलब अगर मैं समझना चाहूं तो आम भाषा में मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई इन्वेंट्रीज हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इन्वेंट्रीज होती है। तो इन्वेंट्रीज बच्चे मेरे बिजनेस के एसेट्स जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसकी हम लोग बिक्री करते हैं, मतलब सेल परचेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। बट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है वो क्या बोलता है, वो भी चलो हम लोग देख लेते हैं। तो चलो हम लोग यहां पे लिखते हैं कि इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भाई इन्वेंट्री क्या होता है, कि इन्वेंट्रीज कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स। तो इन्वेंट्रीज क्या होती है, मेरी एसेट्स होती हैं, हेल्ड, हेल्ड नंबर ए फॉर सेल, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बी इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड, टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द, और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भाई इन्वेंट्रीज मेरे बिजनेस के एसेट्स होते हैं, जो बच्चे हम लोग रखते हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जिसकी हम लोग सेल करते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रोडक्शन में उन एसेट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्शन में उन एसेट्स को यूज करते हैं जिससे कि हम लोग उसको कन्वर्ट करके उसकी सेल कर सकें, या फिर बच्चे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो बच्चे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट्रीज मेरे बिजनेस के एसेट्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो भाई इन्वेंट्रीज अलग अलग तरीके की होती है। तो इसमें यही दे रखा है कि भाई इन्वेंट्रीज हमारे बिजनेस के वो फिनिश गुड्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये बच्चे मेरे क्या हो गए, फिनिश गुड्स जो हम लोग रखते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इसको सेल कर देते हैं। तो भाई फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो जो हमारे रेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको बच्चों हम लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को। फिर क्या दे रखा हुआ, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, बच्चे मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा और उसको कन्वर्ट करा, उसको कन्वर्ट करा इनटू फिनिश गुड्स, तो बच्चे वो भी मेरी क्या होती है, इन्वेंट्रीज होती है। तो जो मेरे यहाँ रॉ मटेरियल भी रखा होगा वो भी मेरा क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। तो रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा, तो रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी।
तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, तो हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं वो भी मेरे बिजनेस की क्या इन्वेंट्रीज हैं, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो भाई जो छोटे छोटे मटेरियल्स यूज होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो भाई वो भी मेरे इन्वेंट्रीज का पार्ट होते हैं। तो जैसे कि मेरे जैसे नहीं हो जाते हैं नट्स वगैरह हो गए, स्क्रूज वगैरह हो गए, जो छोटे छोटे ऐसे नट्स होते हैं स्क्रूज होते हैं, तो वो भी मेरे क्या होते हैं बच्चे, इन्वेंट्रीज का पार्ट होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं इन्वेंट्रीज का ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो भाई इन्वेंट्रीज मेरी तीन तरीके की होती है बच्चे, इन्वेंट्रीज मेरी तीन तरीके की होती है। एक तो बच्चे क्या होता है मेरा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। एक बच्चे मेरा क्या होता है फिनिश गुड्स, और बच्चे एक मेरा क्या होता है WIP, मतलब वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। तो इन्वेंट्रीज मेरी अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो बच्चे मेरी इन्वेंट्रीज तीन तरीके की होती है। एक तो होता है रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस का वो कंपोनेंट जिससे हम लोग फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो ये बच्चे मेरा क्या होता है, मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस का ये एक इनपुट होता है, और बच्चे ये क्या होता है आउटपुट होता है। तो इस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, मार्केट में सेल कर देते हैं। तो हमारी इन्वेंट्रीज क्या हो गई, एक तो रॉ मटेरियल हो गया, एक मेरा फिनिश गुड्स हो गया। तो बच्चे जब कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में, ठीक है जी। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मान लेते हैं हम लोगों को 15 डेज का पीरियड लगता है। 15 डेज में मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, और भाई मेरा 31 मार्च आ जाता है, मेरा अकाउंटिंग ईयर आ जाता है, मतलब अकाउंटिंग ईयर का क्लोज आ जाता है, मेरा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भाई कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज भी होती हैं जिनका प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई 15 दिन का टाइम लगता है। अगर मैंने कोई चीज बनाना शुरू करा होगा, लेट्स टेक 26 मार्च को, तो भाई 26 मार्च को अगर मैं शुरू करूंगा तो इसका प्रोडक्शन कब रेडी हो जाएगा, 10 अप्रैल को। 15 दिन लगने हैं जब, तो 10 अप्रैल को यहाँ पे तैयार होके प्रोडक्ट रेडी होगा। तो भाई 31 मार्च में इसमें अभी भी काम चल रहा होगा, ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, वर्क इन प्रोसेस, क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं WIP। तो भाई इन्वेंट्रीज हमारे तीन तरीके की होती है, एक तो होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, एक होता है फिनिश गुड्स। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो यही दे रखा है बच्चे कि इन्वेंट्रीज कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो भाई छोटे छोटे जो मेरे मटेरियल होते हैं वो भी क्या होता है बच्चे, इन्वेंट्रीज का पार्ट होते हैं। जो मेरे टूल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, वो भी मेरे इन्वेंट्रीज का पार्ट होते हैं। तो ये तो बच्चे हो गया इन्वेंट्रीज का मतलब। अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो भाई इन्वेंट्रीज हमारे बिजनेस के वो एसेट्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेंट्रीज की बच्चे डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब मेरी बात को समझने की यहां पे कोशिश करना कि जब कभी भी मेरा अकाउंटिंग ईयर का एंड आ जाता है, जब कभी भी मेरा 31 मार्च आता है, तब मेरे को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए मेरे को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ता है। यहां पे बच्चे समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या करा, 100 यूनिट्स परचेस करे, 100 यूनिट्स क्या करे, परचेस करे, और इसमें से मैंने 80 यूनिट्स की सेल करी है। मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा, 100 यूनिट्स परचेस करे, और बच्चे 80 यूनिट्स की क्या करी है, सेल करी है। तो मेरा यहां पे 20 यूनिट्स का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाना चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो बच्चे मेरे को अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या। तो हमें उस वैल्यू को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ता है, अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, जिससे कि बच्चे जो मेरा प्रॉफिट निकल गया है वो बच्चे सही निकल गया। तो जब हम लोगों ने, याद करो, इनिशियल क्लासेस करी थी, इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होता है, एक तरीके का इवेंट होता है, ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन हमें बैलेंस शीट के पर्पज से करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज से करना पड़ता है, जिससे कि जो मेरा प्रॉफिट असर्टेन हो वो करेक्ट असर्टेन हो।
क्योंकि मैंने 100 यूनिट्स परचेस करी है, 80 यूनिट सेल करी, तो भाई 20 यूनिट जो स्टॉक पे पड़ा है उसका तो मेरे को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का अपना वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो चलो मेरे साथ यहां पे लिख लो कि भाई रीजंस क्या क्या होते हैं वैल्यूएशन के। तो रीजंस के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा कि हम लोगों को अपना प्रॉफिट असर्टन करना पड़ता है या लॉस असर्टन करना पड़ता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम। तो हमें अपनी इनकम डिटरमाइन करनी पड़ती है, इसलिए मेरे को अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है ईयर एंड में कि जो मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आए वो क्या है, सही बिल्कुल आए। तो डिटरमिनेशन ऑफ इनकम। दूसरा मेरा रीजन क्या होता है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा होता है वो क्या होता है, बिजनेस का एक एसेट होता है। तो भाई एसेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस शीट पे दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट से बच्चे हम लोग क्या असर्टन करते हैं कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इन्वेंट्रीज जो बच्चे मेरी होती है वो करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स का मतलब बच्चे वो एसेट्स जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ये चीज अभी हम लोग जब कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे करंट एसेट्स के बारे में। अभी बच्चे करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकें जल्द से जल्द विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, इन्वेंट्री से हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजिशन को असर्टेन करते हैं। इसके बाद बच्चे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहूं तो लिक्विडिटी एनालिसिस। तो सर ये लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, तो बच्चे इन्वेंट्रीज जो मेरी होती हैं वो बच्चे करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं, करंट एसेट्स का पार्ट होती है। करंट एसेट्स का मतलब क्या, वो एसेट्स जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या फिर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्रीज मेरी क्या होती है भाई, सेल हो जाती है, हम लोग क्या सोच के इन्वेंट्रीज को परचेस करते हैं कि हम लोग विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इनको सेल कर लेंगे तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, करंट एसेट्स हो जाएंगी। मतलब इन्वेंट्रीज को मैंने सेल करा और बच्चे मेरा कैश रिलाइज हो गया तो ये मेरा क्या है, करंट एसेट्स है। तो इन्वेंट्रीज को अगर मैं सेल करता हूं तो भाई मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो भाई जितनी ज्यादा मैं यहां पर सेल करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन जो होगी वो और अच्छी होगी। तो हम लोग अपना इससे क्या करते हैं, लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं कि हम लोग अपने इन्वेंटरी को जो सेल कर रहे हैं उससे कैश कितना जल्दी रियलाइज हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिक्विडिटी का एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो एसेट है, हमारी जो इन्वेंटरीज है वो सेल में कितनी जल्दी कन्वर्ट होंगी और बच्चे कैश कितनी जल्दी रियलाइज होगा। सिर्फ सेल में कन्वर्ट होने का मतलब नहीं होता है कि लिक्विडिटी एनालिसिस, क्योंकि भाई सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट में भी तो कर सकते हैं। तो सेल करा, हो सकता है मैं कैश में करूं, हो सकता है मैं क्रेडिट में करूं। तो कैश में कर रहा हूं तो भाई लिक्विडिटी पोजीशन तो मेरी बहुत अच्छी होगी। बट बच्चे अगर मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूं तो ये डिपेंड करता है कि भाई क्रेडिट का पैसा कितने मंथ्स में रिलाइज कर ले जा रहा हूं। तो इससे मेरा क्या होता है भाई, लिक्विडिटी एनालिसिस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो करंट एसेट्स का मेरा पार्ट होता है इन्वेंट्रीज। अभी जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में जाओगे तो आप लोग एक चीज पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल बच्चे मेरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मेरा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो भाई वर्किंग कैपिटल से हम लोग लिक्विडिटी एनालिसिस को पता करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के एसेट हैं और बच्चे विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स की लायबिलिटीज हैं वो मेरे वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करती हैं। तो अगर मैं 12th मंथ जो मेरे रियलाइजेशन है, जो मेरे एसेट्स हैं, वो मेरे एसेट्स मेरे लायबिलिटीज को मीट आउट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो वर्किंग कैपिटल मेरे को डिटरमाइन करना पड़ता है कि भाई इतना मेरे पास पैसा तो हमेशा होना ही चाहिए। ठीक है जी, इतना तो मेरे पास पैसा होना ही चाहिए जिससे कि मैं अपने बिजनेस को नॉर्मली रन कर सकूं। तो जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में आएंगे तो बच्चे वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये मान लो कि भाई इन्वेंट्रीज जो होता है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो जो मेरी नियर टर्म की लायबिलिटीज है उसको मेरे को मीट आउट किससे करना है, नियर टर्म के एसेट से मीट आउट करना है। तो मेरे को अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है और अपने एसेट्स को रियलाइज करना है। तो जितनी ज्यादा इन्वेंट्रीज
कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में, जितनी ज्यादा से ज्यादा बचे उतनी ज्यादा मेरी क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ये मेरा क्या होता था, लिक्विडिटी एनालिसिस। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो बच्चे हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ेगा ईयर एंड पर। कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 की क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे को वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्रीज का ईयर एंड पर। तो ये बच्चे मेरा क्या है, एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी है कि मेरे को अपने इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन तो ईयर एंड पर करना ही पड़ेगा। तो जब कभी भी आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे काम करने के लिए, तो आप लोगों को इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। तो ये टॉपिक आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा, ये आप लोग सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हो। जब कभी भी आप अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाओगे आर्टिकलशिप में, तब आप लोग देखोगे कि भाई इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन हो रहा है, और आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इन्वेंट्रीज का जो वैल्यूएशन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सी जगह आपको खुद से भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो बच्चे प्रैक्टिकल भी है, और एज वेल एज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, भाई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी करनी मेरे को मीट आउट करनी पड़ती है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बच्चे मेरे को इन्वेंट्रीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, और बच्चे अपने बैलेंस शीट में भी। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 की। तो ये तो बचे हो गए रीजंस कि हम लोग इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। अब मेरे को ये सीखना है कि भाई इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और मेरे को आपसे बहुत सारी अभी बातें करनी है। तो बच्चे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो हमें इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना होता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 ये बोलता है बच्चे कि जो हमें अपना इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है वो तो या तो वो बच्चे या तो मेरे को एट कॉस्ट करना पड़ता है, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि जो मेरे को अपने इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है वो मेरे को या तो अपने कॉस्ट पे करना पड़ता है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करना पड़ता है। तो विच एवर इज लोअर, तो जो भी कम आएगा उस पे हम लोग अपना वैल्यूएशन करते हैं। तो विच एवर इज लोअर। तो एट कॉस्ट का बच्चे मतलब क्या हो जाता है कि मैंने गुड्स को परचेज करा और कुछ रास्ते के एक्सपेंसेस इनकर करे। तो जो भी रास्ते के एक्सपेंसेस होंगे जब तक गुड्स मेरे गोडाउन में नहीं आ जाएंगे, तो वो भी मेरे इन्वेंट्रीज की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो भाई गुड्स की जो कॉस्ट है और जो रास्ते के खर्चे हैं, तो वो दोनों कंबाइन करके मेरे क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। तो एट कॉस्ट का मतलब तो बच्चे ये होता है, ठीक है जी। तो एट कॉस्ट का मतलब तो ये हो जाता है, बट बच्चे जो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं आज इस इन्वेंट्री को मार्केट में बेचता हूं तो मेरे को क्या रियलाइज होकर आएगा। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या होता है बच्चे, हमारा कन्वर्जन कॉस्ट जो होता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो मेरे को कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। कन्वर्जन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ बच्चे मेरे को वेजेस इनकर करना पड़ता है, मेरे को मशीनरी लगानी पड़ती है तो उसका खर्चा, और भी जो मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा होगा, मैंने रॉ मटेरियल को परचेस करा होगा, तो रॉ मटेरियल पे कुछ ना कुछ कन्वर्जन की कॉस्ट इनकर करी होगी। रॉ मटेरियल से जब मैं फिनिश गुड्स को कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूं, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पे जो मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखी होगी वो किसकी दे रखी होगी, फिनिश गुड्स की दे रखी होगी।
तो मेरे को निकालना है कि भाई मेरे रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी, क्या मेरी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी मैंने इनकर करे होंगे तो वो भी मेरे को लेस करने पड़ेंगे, तो बच्चे मेरा क्या आ जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। तो मैं पहले अपनी कॉस्ट निकालूंगा, फिर बच्चे मैं अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट आ रही है लेट्स टेक 50,000 रुपीज, और मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आ रहा है, 40,000 रुपीज। तो मेरे इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मेरे इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो बच्चे जो भी इन दोनों में से छोटा अमाउंट आएगा वो मेरे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा, उतने की मेरी इन्वेंट्रीज मैं अपने बुक्स में ले लूंगा। तो ये तो बच्चे मेरे को दे रखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में। अकाउंटिंग नंबर स्टैंडर्ड नंबर 2 में प्रिस्क्राइब कर रखा है कि हमें हमेशा अपनी इन्वेंट्रीज का जो वैल्यूएशन करना होता है वो किस पे करना होता है, एट कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है जी। फिर अब मेरे को सीखना है कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए। तो यहां पे लिखना टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मेरे को कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है जी, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो पहले देख लो कि मैं यहां पे कैसे लिख रहा हूं, फिर आप लोग ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अभी पहले देखिए सिर्फ कि कैसे मेरे को चार्ट बनाना है। तो टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। तो अगर मैं कोई एक ऐसी इन्वेंट्री परचेज करके लाया हूं जो कि मेरे को एक स्पेसिफिक जॉब में यूज करनी है, मेरे को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए मेरे को कुछ इन्वेंट्री की जरूरत पड़ी है, कि मेरे पास कोई एक स्पेशल नेचर का ऑर्डर आया, कि मेरे पास जैसे कि मैं काम करता हूं शूज मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैं नॉर्मल शूज बनाता हूं। ठीक है, मैं ऐसे कुछ शूज बनाता हूं, तो मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज बनाता हूं और बच्चे मैं इसको मार्केट में सेल करता हूं, मार्केट में इसको क्या करता हूं, मैं सेल करता हूं। बट बच्चे मेरे पास कहीं से ऑर्डर आ गया कि मेरे को यहां पे मिलिट्री शूज बनाने हैं, मिलिट्री में मेरे को सप्लाई करना है, तो बच्चे मिलिट्री वाले शूज बनाने हैं, और मिलिट्री वाले शूज बनाने के लिए मेरे को पता चला कि मेरे को एक स्पेसिफिक आइटम परचेस करना पड़ेगा, स्पेसिफिक आइटम परचेस करना पड़ेगा मेरे को मिलिट्री वाले शूज बनाने के लिए। तो भाई मिलिट्री वाले जो आइटम बनाने के लिए मेरे को एक स्पेसिफिक आइटम जो परचेस करना पड़ेगा वो बच्चे मैं नॉर्मल शूज बनाने में तो यूज नहीं कर सकता हूं। जो मैं आइटम, स्पेसिफिक आइटम, एक अलग टाइप का आइटम जो परचेस कर रहा हूं मिलिट्री शूज को बनाने के लिए, वो बच्चे मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज के लिए थोड़ी नहीं यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या, वो इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, मतलब हम मैं मिलिट्री शूज का सामान ऑर्डिनरी शूज में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो हम लोग अपने इन्वेंट्रीज को इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम अपने रॉ मटेरियल को इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब हम अपना रॉ मटेरियल चेंज नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मेरे को यूज करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के नीचे यहां पे मेरे साथ लिख लो, व्हेन मटेरियल्स, व्हेन मटेरियल्स आर परचेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, when materials are purchased for a specific job or work order or work order and as such these materials are issued and as such these materials are issued
सब्सिक्वेंटली टू दैट स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर टू दैट स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर एट द प्राइस एट विच दे आर परचेस्ड एट विच दे आर परचेस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि मैंने क्या करा, एक स्पेशल मटेरियल खरीदा, एक स्पेसिफिक आइटम परचेज करा कि मेरे को इस जॉब में यूज करना है, ठीक है, मेरे को इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करना है उस मटेरियल को। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मिलिट्री के शूज बनाने जा रहा हूँ, तो मिलिट्री के शूज के लिए मैंने एक स्पेसिफिक आइटम परचेज करा। और बच्चे उस स्पेसिफिक आइटम को हम सिर्फ उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उस आइटम को परचेज कर रखा है 10 रुपीज में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा उस आइटम को अपने प्रोडक्शन के लिए जब सेंड करूंगा, अपने स्टोर से जब उसको भेजूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई मैंने जो इन्वेंट्री इश्यू करी है वो कितने पे करी है, 10 रुपए पे करी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो मेरे को यहाँ पे अपने इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना है, अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। तो एक मेथड में कौन सा यूज करता हूँ, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकालूंगा। इन्वेंट्रीज की कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा कि भाई मैंने मटेरियल एक स्पेसिफिक काम के लिए परचेज करा है, तो उस मटेरियल को मैं स्पेसिफिक काम में ही तो इश्यू करूंगा, मैं किसी और जगह यूज ही नहीं कर सकता। तो उस मटेरियल को उस मटेरियल को भाई अपने फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाना जिस काम के लिए मैंने उसको परचेज करा। तो ये तो मेरा हो गया इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। फिर बच्चे मेरा आता है इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, ठीक है, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मैं अपनी इन्वेंट्रीज को बच्चे मैं एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकता हूं। मैंने यहां पे हो सकता है क्लॉथ का काम होता है, तो भाई क्लॉथ से मैं क्या कर सकता हूं, टी शर्ट भी बना सकता हूं, शर्ट भी बना सकता हूं, और पैंट भी बना सकता हूं, जीन्स भी बना सकता हूं, ठीक है जी। तो क्लॉथ का मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल यूज कर रहा हूं, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, मतलब हम लोग एक इन्वेंट्रीज को मल्टीपल यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तब मेरे को कैसे अपने इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है, जैसे कि मैं अपने क्लॉथ से टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, शर्ट्स बना सकता हूं, पैंट्स बना सकता हूं। तो मेरा यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, एक ही रॉ मटेरियल से मैं मल्टीपल फिनिश गुड्स बना रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। तो इस केस में मेरे को यहां पे क्या करना पड़ता है, इसको मैं फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मैं इसको यहां पे दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करना चाहता हूं। तो पहला क्या हो जाएगा यहां पे, पहला मैं लिखना चाहूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को मेरे को यहां पे यूज करना पड़ता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग फिर से बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, तो एक मेथड का नाम क्या होता है, फीफो। दूसरा मेथड का नाम होता है बच्चे लीफो। एक और मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस। फिर एक और मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, एवरेज प्राइस। और एक और बच्चे मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, बेस स्टॉक। तो मेरे को इतने मेथड्स यूज करने पड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मतलब इन्वेंट्रीज। तो ये तो मेरे हो गए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और बच्चे मेरे कौन से होते हैं, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो मैं यहां पे लिखता हूं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड।
तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में भी बच्चे मेरे तीन मेथड्स निकल के आते हैं। तो पहले मेथड का अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर मेरा एक आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, और एक और मेरा मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, लेटेस्ट परचेज प्राइस, लेटेस्ट परचेज प्राइस। तो भाई इतने मेथड्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अगर इन्वेंट्रीज ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है तो मेरे को यहां पे चेक करना है कि भाई मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करना है कि नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करना है। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में मेरे को कौन सा मेथड इन पांचों में से यूज करना है, या तो फीफो यूज करना होगा, या तो लीफो यूज करना पड़ेगा, या तो वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा, या तो एवरेज यूज करना पड़ेगा, या फिर बेस स्टॉक मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बच्चे अगर मैं आपके मॉड्यूल की बात करूं इंस्टीट्यूट के, तो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये बच्चे एक, ये जो हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, और बच्चे एवरेज प्राइस मेथड है। तो इन सब मेथड्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। बेस स्टॉक मेथड है बच्चे, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करे। तो इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, सीए आईपीसी में पढ़ेंगे, आईपीसीसी में, सीए इंटरमीडिएट में इसके बारे में पढ़ेंगे, बेस स्टॉक मेथड के बारे में। तो ये बस मैंने आपको सिर्फ एक नाम बताया कि कोई एक ऐसा मेथड भी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं। और अगर हम लोग नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स की बात करें तो बच्चे नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स में आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ना है, लेटेस्ट परचेज प्राइस के बारे में हम लोग कब देखेंगे, सीए आईपीसीसी में। तो ये भी अभी आपके सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में नहीं दे रखा है। तो हम लोग बच्चे बस इतने मेथड्स की बात करेंगे। तो एक एक मेथड को मैं शुरू करता हूं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले समझ लो कि भाई थ्योरेटिकली इसका क्या मतलब होता है। तो फीफो पे मैं सबसे पहले आता हूं। तो फीफो का बच्चे अगर मैं नाम बोलूं तो फीफो का क्या नाम होता है, फर्स्ट इन, अगर मैं इसको फुल फॉर्म इसका खोलता हूं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चे दुनिया का ये कसूर है, दुनिया का क्या ये कसूर है कि भाई जो इस दुनिया में पहले आया वो इस दुनिया से पहले जाएगा, जो इस दुनिया में पहले आया वो इस दुनिया से पहले जाएगा, मतलब जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा। तो भाई हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी यही बोलता है कि जो इन्वेंट्रीज पहले आई हैं वो पहले जाएंगी, जो इन्वेंट्रीज मैंने पहले परचेज करी है उसकी सेल मैं क्या करूंगा, पहले करूंगा, जो मैंने बाद में परचेस करी उसको मैं सेल आउट बाद में करूंगा। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरी इन्वेंट्रीज का अगर मैं वैल्यूएशन करने जा रहा हूं तो मैंने यहां पे क्या करा होगा, लेट्स से मैंने 100 यूनिट्स परचेस करे, फिर से 100 यूनिट्स परचेस करे, टोटल मैंने कितने परचेस करे 200, और इसमें से अगर मैंने सेल करे तो कितने सेल करे, लेट्स टेक मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने यहां पे सेल करे हैं वो 140 करे, परचेस मैंने करे 200, और अगर चलो मैं प्राइस भी ले लेता हूं तो 100 जो पहले यूनिट्स परचेस करे थे वो परचेस करे थे एट द रेट ऑफ 5, और बच्चे ये परचेस करे थे एट द रेट ऑफ 6। तो हमारा फीफो मेथड यहां पे क्या बोलता है कि भाई जो इस दुनिया में पहले आया है वो इस दुनिया से पहले जाएगा, मतलब जो मैंने इन्वेंट्रीज पहले परचेस करी है वो बच्चे मैं पहले सेल करूंगा। मतलब अगर ये 140 यूनिट्स को अगर मैंने सेल करा तो 140 यूनिट्स को अगर मैं सेल करता हूं और फीफो मेथड फॉलो करता हूं, तो फीफो मेथड क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो मैंने पहले सेल किसकी करी होगी, जो बच्चे पहले परचेस करी है, तो मैंने इसको पहले परचेस करा था तो इसको यहां पे सेल करा होगा, मतलब मैंने 100 यूनिट्स जो सेल करें वो कौन से सेल करें, 5 रुपीस वाले सेल करें, और बच्चे 40 यूनिट्स जो मैंने सेल करें वो कितने वाले सेल करें, 6 रुपीस वाले सेल करें। तो भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहां पे क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आ जाएगा 60 यूनिट्स, और बच्चे 6 के रेट से परचेस करा था तो मेरे को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी मिल गई, 360 रुपीस। तो बस मेरे को यही इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना सीखना कि जो इस दुनिया में पहले आया वो बच्चे पहले जाएगा, तो जो मैं पहले परचेस करके लाया हूं वो मैं पहले सेल करूंगा। तो ये मेथड बच्चे तब यूज होता है जब हमारा क्या होता है कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, या फिर हम लोग ये मानते हैं कि भाई जो चीज पहले परचेस करके लाए वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं डिट्रॉइट ना हो जाए, तो हम लोग उसको पहले सेल करेंगे। तो फीफो मेथड जो होता है बच्चे मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड। आप लोग अगर
जब रियल लाइफ में आर्टिकलशिप में जाओगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में फीफो मेथड फॉलो होते हुए देखोगे। सब ऑर्गेनाइजेशंस में फीफो मेथड ही लगभग लगभग फॉलो होता है, बहुत ही लिमिटेड जगह होंगी जहां पे कोई और मेथड फॉलो होता होगा। तो अगर मैं बात करूं आपको 95% केसेस में, 95 क्या मैं इसको बोल सकता हूं 98% केसेस भी, कि भाई 95% केसेस में आप लोग देखोगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फीफो मेथड ही फॉलो होता है कि जो चीज पहले आई वो पहले सेल होगी। तो फीफो मेथड का बच्चे बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। और फीफो मेथड अभी आप लोग जब सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे से पढ़ोगे तब आप फिर से देखोगे कि भाई फीफो मेथड का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है हमें फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो फीफो मेथड में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज पहले आई है वो इस दुनिया से पहले जाएगी। तो ये तो बच्चे मेरा होता था फीफो मेथड। तो फीफो मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड, इसको इनकम टैक्स भी रिकॉग्नाइज करता है। इनकम टैक्स में अगर हमें मेरे को स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है तो मेरे को फीफो मेथड ही फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो बच्चे हो गई मेरे फीफो मेथड की बात। फिर मैं आता हूं लीफो मेथड में। लीफो मेथड जो मेरा होता है इसको हम लोग बोलते क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो मैं लास्ट में परचेस करके लाया हूं वो मैं सबसे पहले सेल करूंगा। तो ये जस्ट ऑफ अपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ क्या है, फीफो है। तो जो मैंने लास्ट में परचेस करा उसको मैं पहले सेल करूंगा। तो सर ऐसा कौन इंसान है कि भाई जो लास्ट में परचेस करा उसको पहले बेचना चाहता है, मतलब जो अभी अभी परचेस करके लाया तुरंत ही उसको सेल कर दो, जो पुराना आइटम है उसको स्टोर करके रखे रहो, वो बाद में कभी फ्यूचर में सेल करेंगे। तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो जैसे कि मैंने 100 यूनिट्स परचेस करे एट द रेट ऑफ 5 और बच्चे मैंने फिर से परचेस करे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, तो टोटल मैंने कितना परचेस करा 200 परचेस करा और मैंने सेल फिर से कितनी करी है 140 की सेल्स करी है। तो अब की बार जो मैंने सेल्स करी होगी तो बच्चे कौन सी करी होगी, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे 100 यूनिट्स मैंने यहाँ पे सेल करे वो तो 6 वाले करे होंगे क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले जाएगा। और बच्चे जो पहले वाले आइटम्स हैं वो मैं बाद में सेल करूंगा, तो 40 यूनिट जो मेरे गए होंगे वो कौन से होंगे, 5 रुपीस वाले। तो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा बच्चे, 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स कौन से, 5 रुपीस वाले। 60 यूनिट्स मेरे कौन से, 5 रुपीस वाले बचेंगे। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपीस का। तो बच्चे अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यूएशन आप लोग देख रहे हो कि भाई इस मेथड से 360 वैल्यूएशन आ रहा था, इस मेथड से 300 का वैल्यूएशन आ रहा है। तो लीफो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास मटेरियल लास्ट में आया है उसको मैं पहले सेल आउट करूंगा, उसको पहले मैं अपने स्टॉक से हटाऊंगा। तो लीफो मेथड सर कहां पे फॉलो होता है, कौन सा ऐसा इंसान है जो लीफो मेथड को फॉलो करता है कि भाई अभी अभी परचेस करके लाओ उसको पहले सेल कर दो और जो पुराना मटेरियल है उसको स्टॉक कर लो। तो बच्चे आप लोगों ने लिकर का नाम जरूर से सुना होगा, लिकर। लिकर मतलब शराब। तो भाई शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही महंगी सेल होती है। जितनी पुरानी हमारी शराब होगी वो बच्चे उतनी महंगी सेल होती है। तो हम लोग लिकर का जो वैल्यूएशन होता है वो किस पे करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे करते हैं, क्योंकि लिकर का लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। जितनी पुरानी लिकर होगी बच्चे उतने महंगे पे सेल होती है, और जो चीज हम लोग नई परचेस करके लाएंगे उसको सबसे पहले सेल करेंगे, और जितनी पुरानी लिकर होगी बच्चे उसको हम लोग क्या करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। तो लिकर के केस में क्या होता है, हमारा लीफो मेथड इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट मेथड पे आता हूं जिसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड मेरा क्या बोलता है, तो वेटेड एवरेज से पहले मैं क्या करता हूं, एवरेज प्राइस मेथड पे आता हूं। पहले एवरेज प्राइस मेथड मैं सिंपली समझा देता हूं फिर मैं वेटेड एवरेज पे आता हूं। तो वेटेड सॉरी एवरेज प्राइस जो मेरा मेथड है वो क्या मेरे को बोलता है कि आप जो गुड्स परचेस करके लाए हो, तो लेट्स से 100 यूनिट्स आप परचेस करके लाए हो 5 रुपीस की और बच्चे 100 यूनिट्स आप परचेस करके लाए हो 6 रुपीस की, फिर आपने क्या करा होगा, इसमें से जो ये 200 यूनिट्स परचेस करें इसमें से आपने कुछ सेल करी होगी, तो लेट्स से फिर से 140 यूनिट्स की आपने सेल करी। तो 140 यूनिट्स की सेल कौन से मटेरियल से करिए इसमें ये रेलेवेंट नहीं होता। इसमें ये क्या बोलते हैं कि भाई आपने मटेरियल लाए और आपने सारा का सारा मटेरियल एक जगह रख दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई मटेरियल का जो मेरे को प्राइसिंग करनी है, मेरे को वैल्यूएशन करना है कि भाई कितने रुपए वाला मटेरियल इशू करा है,
तो ये तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या करा, हम लोग मटेरियल कर परचेज करके लाए, ये भी परचेज करके लाए, ये भी परचेज करके लाए, और मैंने क्या करा, दोनों को मिक्स कर लिया। और बच्चे हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा मटेरियल हम लोगों ने परचेज कर रखा है। तब मैं यहाँ पे क्या मेथड यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं मेथड एक यूज करूंगा जिसका नाम क्या, एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जिस रेट पे भी परचेज करके लाओ, ठीक है, आप क्या करो उसका एवरेज निकाल लो। तो अगर एवरेज प्राइस की मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे, तो 5 + 6/2, मैं एक 5 रुपीज पे परचेस करके लाया, मैं एक 6 रुपीज पे परचेस करके लाया, तो मैंने इसका क्या करा, एवरेज निकाल दिया कि भाई 5 + 6/2, तो मतलब मैंने इस वैल्यूएशन की इन्वेंट्रीज को सेल करा होगा, तो मतलब 140 × 5.5। तो फटाफट से मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कि भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी, 140 × 5.5, तो मैंने 770 की इन्वेंट्री सेल कर दी होंगी। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बचेगा, 60 यूनिट्स बचेगा। और 60 भी मैं किस रेट पे वैल्यू करूंगा बच्चे, एवरेज प्राइस के पे वैल्यू करूंगा। तो यहाँ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 60 × 5.5 रुपीज, 330 मेरा क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा है। तो एवरेज प्राइस में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितने भी मल्टीपल प्राइसेस में हम लोग परचेस करके लाए उसका मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा और एवरेज प्राइस से मैं क्लोजिंग स्टॉक से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 यूनिट्स और परचेस करे होते एट द रेट ऑफ 7, तो मैं एवरेज किसका निकालता, 5, 6 और 7 का एवरेज यहां पे निकाल लेता। ये तो बच्चे मेरा हो गया क्या, एवरेज प्राइस मेथड। फिर मैं आता हूं अपने वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में। तो ये बच्चे मेथड क्या बोलता है कि आप जो इन्वेंट्रीज परचेस करके लाए हो ये बहुत अच्छी बात है, और आपने क्या करा है, सारी की सारी इन्वेंट्रीज फिर से मिक्स कर दी है। फिर आपको ये देखना है कि भाई आप इन्वेंट्रीज कितने में इश्यू कर रहे हो, आप कितने में इश्यू कर रहे हो और आप कितने पे स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, ये मैं आपको कैसे निकालूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस से निकालूंगा। तो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट उस जगह पे बैठा हुआ है, वो बोलेगा कि भाई ठीक है आपने इन्वेंट्रीज मिक्स कर दी, कोई बात नहीं, मैं अब इसका वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्राइस पे करूंगा। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलता है कि भाई 100 यूनिट्स आप परचेस करके लाए, ठीक है, 5 के रेट से परचेस करके लाए, और 100 यूनिट्स 6 के रेट से परचेस करके लाए, तो ये कितने का हो गया, 500 रुपीज का, और बच्चे ये कितना हो गया, 600 रुपीज का, टोटल कितना हो गया, 1100 रुपीज का, टोटल कितना हो गया, 1100 रुपीज का, मतलब आपने जो 200 यूनिट्स परचेस करें वो कितने के परचेस करें, 1100 के। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1100 / 200, तो मैंने यहां पे 1 यूनिट का कॉस्ट निकाल लिया और मैंने एक एवरेज प्राइस निकाल लिया, एक वेटेड एवरेज निकाल लिया कि भाई ये आ रहा है 5.5 आ रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, वेटेड एवरेज आ गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम लोगों का जो इसमें भी 5.5 आ रहा है, इसमें भी 5.5 आ रहा है, तो ये बच्चे को इंसिडेंटली हो रहा है, ये को इंसिडेंट है कि दोनों का मैच हो गया, बट ये दोनों अलग अलग आएंगे अगर आप और क्वेश्चंस जब देखोगे। तो ये कितना आ रहा है, 5.5 मैंने निकाल लिया कि भाई 5.5 का एक वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है। तो 140 यूनिट्स सेल करी तो भाई उसका इश्यू प्राइस मैं क्या ले लूंगा, 5.5, और 60 यूनिट्स का मेरा जो यहाँ पे क्लोथिंग स्टॉक बचेगा तो उसके लिए भी मैं क्या लिख दूंगा, 5.5। तो 140 × 5.5 करता हूं तो ये मेरा इशू कितना का आ रहा है, 770, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आ जाएगा, 330 रुपीज का। तो ये तो बच्चे मेरे हो गए क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब मेरी पुरानी कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे मैं परचेस करके लाया था उस कॉस्ट को मैं ले रहा हूं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को जब जब कभी भी मैं यूज करूंगा तो बच्चे मेरे को इन चारों में से कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में जनरली बताया जाएगा आपको कि भाई फीफो मेथड यूज करना है, लीफो मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, या फिर एवरेज प्राइस मेथड यूज करना है, ठीक है जी। फिर बच्चे मेरे को यहाँ पे एक और बात करनी है कि जो ये आप लोग मेथड कर रहे हो, जो आप लोग ये इश्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि भाई हम लोग ये इश्यूज कब करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा होगा, एक अपना स्टोर रूम बनाया होगा, ठीक है, स्टोर रूम बना के रखा होगा अपने फैक्ट्री में, अपने हो सकता है वेयर हाउस में। तो भाई मैं मटेरियल परचेस करके लाया, तो परचेस करके लाया, यहां पे मेरा एक स्टोर कीपर बैठा होगा, यहां पे ऐसे उसकी टेबल रखी होगी और उसने यहां पे एक ऐसे लेजर बना रखा होगा कि भाई जितना भी मटेरियल आएगा, जितना भी मटेरियल मैं परचेस करके लाऊंगा इस स्टोर में, मतलब किसी भी तरीके का इनपुट होगा इस स्टोर के लिए, चाहे वो परचेस हो या फिर कहीं से भी वो उसके पास मटेरियल आ रहा है,
कहीं से भी उसके पास मटेरियल आ रहा है, चाहे मैं वो परचेस करके ला रहा हूं या फिर मैं अपने प्रोडक्शन से वापस कर रहा हूं स्टोर रूम से, तो प्रोडक्शन से कोई रिटर्न हो रहा है वो भी मेरा कहाँ पे आएगा, स्टोर रूम पे आएगा। तो जब कभी भी मटेरियल्स स्टोर वाले बंदे के पास आएगा, स्टोर कीपर के पास आएगा, तो वो अपने इस रजिस्टर में इसकी एंट्री कर लेगा कि मेरे पास इतना मटेरियल रिसीव हुआ है और इस रेट वाला रिसीव हुआ है। तो परचेस का भी रेट इसको पता होगा, प्रोडक्शन से जो वापस आ रहा होगा मटेरियल उसका भी इसको रेट पता होगा। तो यहाँ पे क्या करता है भाई, जितनी भी परचेजेस हैं, जितना भी मटेरियल होगा वो यहाँ पे रख लेता है अपने पास, ऐसे यहाँ पे मटेरियल रख लेगा। फिर यहाँ पे जब प्रोडक्शन वाले बंदे होंगे, जो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, ये इसके पास आएंगे दौड़ते 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 दौड़ते, कहेंगे कि भैया मेरे को प्रोडक्शन के लिए ये वाला मटेरियल चाहिए, आप मेरे को ये मटेरियल इशू कर दो। तो यहाँ पे जो बंदा आया है मांगने के लिए, तो इसको ये बंदा क्या करेगा, इशू कर देगा। तो इशू किस प्राइस पे करना है, एक तो मेरे को ये डिटरमाइन करना है। तो इशू प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीफो लीफो का तो मेथड यूज करते ही करते हैं। मतलब जैसे हम लोग ये इशू कर रहे थे, मतलब 200 यूनिट्स जो मैं इनपुट लाया उसमें से 140 मैंने क्या करा, इशू कर दिया, तो 60 मेरा क्या हो गया, क्लोथिंग स्टॉक हो गया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्टोर वाला बंदा मटेरियल को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है, प्रोडक्शन वाले को इशू कर रहा है, अगर ये रॉ मटेरियल है। अगर फिनिश गुड्स यहाँ पे रखे होते तो भाई कस्टमर को इशू करता, तब भी यहाँ पे अपने रजिस्टर में यहाँ पे क्या करता, एक एंट्री करता कि मैंने इतना मटेरियल इशू करा है और इस रेट का इशू करा है। तो रेट मेरे को कैसे निकालना है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज प्राइस और एवरेज प्राइस के मेथड पे निकालना है। मेरे को ये तो पता है कि भाई कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, कितना मटेरियल इनपुट हो रहा है, कितने यूनिट्स इनपुट हो रहे हैं, कितने यूनिट्स आउटपुट हो रहे हैं, बट किस रेट पे हो रहा है इसका मेरे को वैल्यूएशन करना हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में सीख लिया। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मतलब क्या होता है, जो हम लोग परचेज प्राइस का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का मेथड, ठीक है जी। तो स्टोर वाले बंदे ने क्या करा, प्रोडक्शन वाले को इशू कर दिया, तो 100 यूनिट्स परचेज करके लाए उसमें से 60 इशू कर दिया, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक इसके पास 40 का होगा ना। 40 का जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे को इसको क्या करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। तो जो अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देख रहे थे, तो बच्चे यही निकल के आ रहा था, जो हमारा 60 यूनिट्स था, ठीक है, जो हमारा 60 यूनिट्स था वही मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो इसके पास मटेरियल रखा होगा उसको मेरे को वैल्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज प्राइस और एवरेज प्राइस मेथड यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बच्चे मेरी बातें हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की। तो पहले मैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, फिर हम लोग नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आएंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर ओपन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन। तो पहले हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन को, फिर हम लोग नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन पे क्या दे रखा हुआ है। अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। तो क्या दे रखा हुआ, डेट किस दिन मैंने परचेज करा। तो डेट दे रखा हुआ दिसंबर 4, क्वांटिटी 900 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट इज 50। दिसंबर 10, 400 यूनिट्स, प्राइस क्या दे रखा है 55 पर यूनिट। दिसंबर 11, 300 यूनिट्स, क्या दे रखा है प्राइस 55 पर यूनिट। दिसंबर 19, 200 यूनिट्स, प्राइस दे रखा है मेरे को 60 पर यूनिट। दिसंबर 18, 800 यूनिट्स, प्राइस दे रखा है मेरे को 47 पर यूनिट। तो ये मेरे को दे रखा है कि भाई इतना मटेरियल मैंने परचेस करा और इस प्राइस का परचेस करा। फिर यहाँ पे दे रखा है कि 1600 यूनिट्स वर इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर। तो 18th दिसंबर तक सारा का सारा ये 1600 यूनिट्स इशू हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इफ द कंपनी फॉलोस फीफो बेसिस, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड या फिर वेटेड एवरेज बेसिस। तो ये बच्चे जो हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज प्राइस लिख रखा है, ये सिंपल एवरेज प्राइस है, ठीक है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड है। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से निकाल के दिखा दो, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से मेरे को यहाँ पे निकाल के दिखा दो कि जो भी इन्वेंट्री बची है, तो फीफो बेसिस, वेटेड एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस पे मेरे को इसका क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन बच्चे करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड पे वैल्यूएशन हो रहा है, कितना मैं परचेज कर रहा हूँ, कितना मैं इशू कर रहा हूँ। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर वन, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हम लोग जो वैल्यूएशन करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं, फीफो पे करने जा रहे हैं। तो फीफो बेसिस,
तो फीफो बेसिस पे मेरे को इसका वैल्यूएशन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है 2600 यूनिट्स मैंने परचेज करे और 1600 यूनिट्स मैंने क्या करे इशू करे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1000 यूनिट्स का मेरा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2600 माइनस 1600 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं, फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे को 1600 यूनिट्स क्या करने, इशू करने। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करा कि मैंने पहले 900 यूनिट्स इशू करे, फिर 400 इशू करे होंगे, फिर 300 इशू करे होंगे। तो भाई अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा। तो मेरे पास स्टॉक में क्या बचा होगा, बच्चे जो मेरे पास लास्ट परचेजेस होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, स्टॉक पे रखी होंगी। तो मतलब 200 यूनिट्स मेरे पास यहाँ पे स्टॉक पे होगा और बच्चे 800 यूनिट्स मेरे पास यहाँ पे स्टॉक पे होगा। मैंने 1600 यूनिट्स का जो इशू करा होगा वो बच्चे फीफो बेसिस पे कर रखा है। फीफो बेसिस पे अगर मैं करता हूं तो जो यूनिट्स मैं पहले लाया हूं उसको मैं पहले क्या करूंगा, इशू करूंगा। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स ये वाली होंगी और 800 यूनिट्स ये वाली होंगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट्स का स्टॉक आ जाएगा। तो मेरे को यहां पे वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे हम लोग यहां पे वैल्यूएशन करेंगे, तो यहां पे लिखना कि मेरे पास जो एट द एंड यूनिट्स बचेंगे 800 यूनिट्स एट द रेट 47 और बचे 200 यूनिट्स एट द रेट 60। तो 800 इंटू 47 कितना हो जाएगा, 37,600 और बचे 200 यूनिट्स इंटू 60 पर यूनिट कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49,600 रुपीज। तो ये तो बचे हो गया मेरा फीफो बेसिस पे वैल्यूएशन। फिर अब मेरे को यहां पे किस पे करना है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड पे वैल्यूएशन करना। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड यहां पे लिखना बी, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में अब मेरे को यहां पे वैल्यूएशन करना है। तो मेरे को यहां पे अब क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को अब यहां पे एक एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा, एक सिंपल एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सिंपल एवरेज प्राइस मैंने निकाला कि सिंपल एवरेज प्राइस इज इक्वल टू। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेरा क्या आ जाएगा, तो मैंने यहां पे लिखा 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्राइस। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 53.40। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था मेरा 1000 यूनिट का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मैं कैसे करूंगा, 1000 यूनिट्स इंटू 53.40। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आ जाएगा, 53,400 रुपीस। तो ये तो मेरा हो गया सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। फिर मेरा जो लास्ट मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड। तो चलो भाई हम लोग उस पर भी वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में मेरे को क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा कि भाई जो हम लोग गुड्स इशू कर रहे हैं वो कौन से इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या एक वेटेड एवरेज प्राइस होना चाहिए जिसको हम लोग इशू कर रहे हैं। तो चलो अब हम लोग उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने इसमें चेक करा कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था वो 1000 यूनिट्स का आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1000 यूनिट्स का। फिर मैंने यहां पे क्वेश्चन पे देखा कि जितने भी मैंने इश्यूज करें वो कब तक कर दिए, 18 दिसंबर तक कर दिए।
जो मैंने ये 1600 के इश्यूज करें वो कब तक कर दिए, 18th दिसंबर तक कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 19th दिसंबर का परचेस करा है और 28th दिसंबर का परचेस करा है वो मेरा क्या होगा, अभी भी स्टॉक में होगा, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि जितने भी इश्यूज करें वो कब तक करें, 18th दिसंबर तक करें। तो 18th दिसंबर के बाद अगर मैंने कुछ इशू करा ही नहीं है तो जो उसके बाद मैंने परचेस करा है वो तो मेरा अभी स्टॉक में रखा होगा ना। तो परचेस मैंने कितना करा होगा, 200 और 800, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही कितना आ रहा था, 1000 यूनिट्स। तो ये कितना है, 1000 हो जाएगा। तो मेरे पास स्टॉक में कौन से गुड्स हैं, ये 200 वाले हैं और बचे ये 800 यूनिट्स हैं। तो अब मेरे को इसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्राइस लिखना है मेरे साथ यहाँ पे, वेटेड वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो चाहो तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो कितना आ जाएगा, तो 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरा वेटेड एवरेज प्राइस यहां पे क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस जो मेरा आएगा बच्चे वो आ जाएगा 12,000 हो जाएगा ये, 12,000 प्लस 47 इंटू 800 कितना होगा, 37,600। और इसको मेरे को डिवाइड करना है कितने से, 1000 से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 1000 से तो कितना आएगा, तो ये बच्चे मेरा आ जाएगा 49.6 पर यूनिट। और मेरे को वैल्यूएशन कितने का करना है, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक तो मेरे को स्टॉक का जो वैल्यूएशन करना है वो कितने का करना है, 1000 यूनिट्स का करना है। तो 1000 इंटू 49.60 तो ये कितना आ जाएगा, 49,600 रुपीस। मेरा क्लोथिंग स्टॉक की क्या वैल्यू हो जाएगी, 49,600 रुपीस। तो ये बच्चे हम लोगों ने आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कर दिया। तो अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो हम लोग यहाँ पे, ये मेरा क्या है, स्टोर है, स्टोर में हम लोग परचेस करके लाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इशू करते हैं। ये मैंने परचेस करा और यहाँ पे इशू करा। तो यहाँ पे जो मेरा स्टोर कीपर बैठा हुआ है तो वो बच्चे अपने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है कि कितना मटेरियल आ रहा है और कितना मटेरियल यहाँ से जा रहा है। ये इसका क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर में लिखता होगा कि भाई इतना मटेरियल आया और इतना मटेरियल गया। तो इस रजिस्टर को बनाना भी हमें सीखना है, ये रजिस्टर कैसे मेंटेन करता होगा ये वाला, ये हमें बनाना सीखना है। तो इस रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक लेजर, स्टॉक लेजर। तो स्टॉक लेजर भी हमें बनाना सीखना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को क्या करना होगा, स्टॉक लेजर बनाना सीखना है। तो चलो अब हम लोग स्टॉक लेजर इस क्वेश्चन में बनाएंगे। तो क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्री राम मिल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे को 0 दे रखी है, नील दे रखी हुई है। फिर मैंने कुछ परचेजेस करे हैं 1st जनवरी 2016 में, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट। फिर 15th जनवरी 2016 को मैंने परचेज इशूड फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट्स। फिर मैंने 1st फरवरी 2016 को 200 यूनिट्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट। 15th फरवरी 2016 को मैंने इशू करे 100 यूनिट्स फॉर कंजम्पशन। 20th फरवरी को मैंने इशू करे फॉर कंजम्पशन कितना, 100 यूनिट्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2016 इफ द कंपनी फॉलोस फीफो मेथड और बच्चे वेटेड एवरेज बेसिस। तो मेरे को यहां पे क्या करना होगा, अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होगा 31st मार्च को, और साथ ही साथ मेरे को इसमें क्या बनाना होगा, स्टॉक लेजर बनाना पड़ेगा। तो भाई स्टॉक लेजर भी हम लोग चलो बना लेते हैं और हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना भी सीखते हैं, ठीक है जी।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉक का वैल्यूएशन भी करूंगा और बच्चे स्टॉक लेजर बनाना भी सीखूंगा। तो अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी इन्वेंट्री की वैल्यूज निकाल सकता था, मैं स्टॉक लेजर ना बनाता। बट हमें यहाँ पे स्टॉक लेजर भी बनाना सीखना है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टॉक लेजर बनाने जा रहे हैं बच्चे, वो हम लोग फीफो मेथड से बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, और मैं यहाँ पे कौन से मेथड से करने जा रहा हूँ, फीफो मेथड से करने जा रहा हूँ, फीफो मेथड। तो हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक लेजर बनाना है और बच्चे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉक लेजर। फिर स्टॉक लेजर को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेट डेट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा रिसिप्ट रिसिप्ट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इश्यूज, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बैलेंस। स्टोर लेजर में बच्चे मैंने सबसे पहले लिखा डेट, फिर रिसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस। तो रिसिप्ट में मैंने यहाँ पे लिखा, रिसिप्ट वाले कॉलम का सब कॉलम मैंने बनाया। एक तो यूनिट्स, कितने यूनिट्स रिसीव करी हैं मैंने, किस रेट पे रिसीव करी हैं, और बच्चे कितना अमाउंट आएगा। फिर मैंने इशू कितनी यूनिट्स करी हैं, किस रेट पे करी हैं, और अमाउंट कितना आएगा। मेरे पास कितनी बैलेंस यूनिट्स हैं, किस रेट पे हैं, और अमाउंट कितना आएगा। तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे को इतने कॉलम्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो चलो बच्चे फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, तो अब हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जनवरी 2016 को मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये 2016 है, ठीक है। तो मैं बार बार 2016 तो नहीं लिखने वाला। तो फर्स्ट जनवरी को मैंने यहाँ पे क्या करा कि कुछ यूनिट्स परचेस करें। तो यूनिट्स परचेस करूंगा तो बच्चे मेरे स्टोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये एक रिसिप्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 यूनिट्स की रिसिप्ट हो रही है, और बच्चे 30 पर यूनिट के रेट से हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। इशूज मैंने अभी कुछ करे नहीं है, तो मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 100 × 30 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर मैंने 15th जनवरी को कंजम्पशन के लिए 50 यूनिट्स इशू करे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15th जनवरी को मैंने जो इशू करा है, कितना इशू करा है, 50 यूनिट्स इशू करे। 30 के रेट पे इशू करे होंगे क्योंकि मेरे पास तो कोई और मटेरियल ही नहीं है अभी। तो 50 × 30 मैंने 1500 के गुड्स इशू करे, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा। तो 100 में 50 इशू कर दिए, तो मेरे पास बैलेंस बचा 50, 30 रुपीज वाले बचे हैं, और मेरा ये टोटल कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट फरवरी को मैंने कुछ परचेस करा है, तो परचेस मैंने कितना करा, 200 यूनिट्स मैंने यहाँ पे परचेस करा, 40 के रेट से परचेस करा, तो ये कितना हो जाएगा, 8000 रुपीज। तो परचेस करा है तो बच्चे मेरा क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, तो रिसिप्ट से मेरा क्या होगा, बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैलेंस बच्चे अब मैं क्या कर रहा हूँ, फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को सेपरेट बैलेंस दोनों का मेंटेन करके चलना है कि मेरा जो ये 50 यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 30 रुपीज वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1500, और जो मैं ये 200 यूनिट्स परचेस करके लाया हूँ वो कितना है, 40 यूनिट्स वाले, और ये कितना हो जाएगा, 8000। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है बच्चे, सेपरेट लेजर मेंटेन करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ये दिखे कि ये एक स्पेसिफिक इस डेट का ट्रांजैक्शन है, ये एक अलग से ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। तो मैंने इसको अलग से दिखाने के लिए मैंने एक लाइन ऊपर खींच दी, मैंने इसको एक लाइन नीचे खींच दी। तो 50 यूनिट्स मेरे पास 30 वाले थे, और 200 यूनिट्स मेरे पास 40 वाले थे, ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, 15th फरवरी को मैंने इशू करे हैं फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स मैंने कंजम्पशन पे इशू करे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं बच्चे, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो इस दुनिया में पहले आया वो इस दुनिया से पहले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, 50 यूनिट्स मेरे पास पहले आए थे, तो 50 यूनिट्स तो मैंने ये इशू कर दिया 30 के रेट से, 1500। बट बच्चे मेरे को इशू कितना करना था, 100 यूनिट्स। तो भाई बैलेंस जो 50 यूनिट्स होंगे वो मैं 40 रुपीज वाले इशू कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपीज। तो ये तो बच्चे मेरा क्या आ गया, इशू आ गया। अब मेरे को यहां पे क्या निकालना होगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आज के दिन पे कितना बचा होगा। तो 200 में से 50 अगर मैं लेस करता हूं, तो मेरे पास 150 यूनिट्स बचे होंगे 40 वाले, तो ये कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज।
फीफो बेसिस के हिसाब से मेरे को क्या करना है, जो पहले आया वो पहले इशू करना है, तो पहले मैंने ये वाला इशू करा, फिर बच्चे 200 में से बैलेंस 50 इशू कर दिया, फिर मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि 20 फरवरी को मैंने इशू करे हैं 100 यूनिट्स, तो 20 फरवरी मैंने यहाँ पे लिखा 20 फरवरी, और फिर से मैंने 100 इशू करे हैं, तो बच्चे मेरे पास सिर्फ यही यूनिट्स तो बचे हैं, तो इसी में से मैं 100 इशू करूंगा, तो 100 × 40 इज इक्वल टू 4000 रुपीज, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा 50 × 40 इज इक्वल टू 2000 रुपीज, तो मेरा बैलेंस कितना बच रहा है 2000 रुपीज का, 50 यूनिट्स का बच रहा है। इसके बाद बच्चे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो ये 2000 रुपीज का जो इन्वेंट्री बची हुई है मेरे पास, ये जो 2000 रुपीज की इन्वेंट्री है मेरे पास, ये बच्चे 31 मार्च को भी होगी क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेरी कितनी आ जाएगी 2000 रुपीज एज पर फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू आ रहा है, 2000 रुपीज मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू आ रहा है एज पर फीफो मेथड, ठीक है जी। तो 2000 रुपए मेरे इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहां पे चलो लिख देता हूं आंसर में, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज 2000, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रुपीज 2000। अब मेरे को लीफो मेथड से स्टॉक लेजर बनाना है और मेरे को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, तो चलो इस बार हम लोग स्टॉक लेजर बनाते हैं लीफो मेथड से। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज और बच्चे बैलेंस, फिर मैंने यहां पे लिखा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है जी। तो फटाफट से आप लोग लाइंस ड्रॉ करिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चे मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था, जीरो था। अगर ओपनिंग स्टॉक बच्चे मेरे को अगर दे रखा होता तो मैं यहां पे क्या करता वो भी चलो मैं बता देता हूं। तो अगर मेरे को 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक पता होता, 1 जनवरी 2016 का अगर मेरे को ओपनिंग स्टॉक पता होता, तो मैं यहां पे लिख देता कि भाई इतने क्वांटिटी है इस रेट के और ये अमाउंट है, ठीक है जी। तो ओपनिंग स्टॉक जो भी दे रखा होगा वो मेरे को कहां पे दिखाना है, बैलेंस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 1 जनवरी को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, कितने यूनिट्स परचेस कर रहा हूं, 30 यूनिट्स, तो 100 × 30 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। तो मैंने यहां पे बैलेंस क्या लिखा, 100 × 30, तो कितना हो जाएगा ये 3000 रुपीज। तो 1 जनवरी का तो मैंने यहां पे बैलेंस लिख दिया कि भाई मैंने 100 यूनिट्स परचेस करे तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा। फिर 15 जनवरी को मैंने 50 यूनिट्स फॉर कंजम्पशन इशू करें, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इशूज 50 यूनिट्स। तो हम लोग यहां पे लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, बट बच्चे मेरे पास सिर्फ 30 रुपीज वाला ही स्टॉक रखा है, तो यहां पे फीफो और लीफो कुछ भी मैटर नहीं करता। तो 50 × 30 इज इक्वल टू 1500, और मेरा बैलेंस स्टॉक कितना बचा, 50 × 13, तो कितना हो जाएगा 1500। मेरे पास सिर्फ जो ये यूनिट्स है वो बच्चे 100 यूनिट्स है और 30 वाले हैं, तो इसमें फीफो और लीफो रेलिवेंट ही नहीं होगा क्योंकि मेरे को इशू कितना करना है, 50 यूनिट्स इशू करना है, और मेरे पास वैरायटी ऑफ स्टॉक तो है ही नहीं। जब तक वैरायटी नहीं होगी तब तक बच्चे हमारे लिए फीफो लीफो कोई रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब बच्चे यही स्टॉक है तो मेरे को इशू यही करना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं, तो हमें दे रखा हुआ है कि हम लोगों ने 1 फरवरी को और परचेस करा है, तो 200 यूनिट्स परचेस करे हैं मैंने यहाँ पे 40 के रेट से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8000 रुपीज ये हो जाएगा, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, तो 50 यूनिट्स 30 वाले, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1500, और बचे 200 यूनिट्स 40 वाले, तो ये कितना हो जाएगा 8000 रुपीज। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हम लोगों ने एक और इशू करा है, कब करा है, 15 फरवरी को फिर से इशू करा है, कितना इशू करा है, 100 यूनिट्स इशू करा है। तो अब की बार बच्चे हम लोग लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन बच्चे मेरा कौन सा है, ये 200 यूनिट्स मैंने बाद में परचेस करे थे, तो इसको मेरे को पहले इशू करना पड़ेगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 100 यूनिट्स जो मैं ये इशू कर रहा हूँ वो कौन से इशू करूंगा, ये 40 रुपीज वाले मैं इशू करूंगा,
तो ये 4000 रुपीज आ जाएगा। तो मेरा बैलेंस यहाँ पे कितना बचेगा, 50 यूनिट्स 30 वाले, और ये कितना हो जाएगा 1500। 100 यूनिट्स 40 वाले, और ये कितना हो जाएगा 4000 रुपीज। तो जब कभी भी मैं बच्चे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा ना, तो ये मैं इशू प्राइस देखूंगा कि मैं जो ये प्रोडक्ट इशू कर रहा हूँ, जो ये मैं यूनिट्स इशू कर रहा हूँ, और मैं सोच कोई एक आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट के लिए मैं ये 4000 रुपीज कंसिडर करूंगा। ठीक है, जो भी ये इश्यूज होते हैं उसको मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए कंसिडर करता हूँ कि भाई मैंने इतने यूनिट्स इशू करे हैं एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो भाई एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना लग जाएगा, 4000 रुपीज मटेरियल का लग जाएगा। ठीक है जी, फिर मैं आता हूँ 20th फेब को। तो 20th फेब को मैंने फिर से 100 यूनिट्स इशू करे हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन बच्चे मेरा कौन सा है, ये 100 यूनिट्स होंगे। तो ये 100 यूनिट्स मैंने बाद में परचेस करे थे, इसको मेरे को पहले आउट करना है। तो 100 × 40 तो कितना हो जाएगा 4000 रुपीज। तो मेरे पास बैलेंस क्या बचा, ये 50 यूनिट्स बचे 30 वाले 1500 रुपीज के। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लिखना चाहूं, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर लीफो मेथड क्या कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर लीफो मेथड, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेरे पास कितना आ जाएगा 1500 रुपीज। तो हम लोगों ने ये कैसे निकाला, लीफो मेथड से निकाला। तो ये सेम 50 यूनिट्स का निकाला। तो फीफो में हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग पहले लाए उसको हम लोग आउट करेंगे, लीफो में जो हम लोग लास्ट में लाए उसको हम लोग पहले आउट करेंगे। तो ये तो बच्चे मेरा हो गया लीफो फीफो। अब मैं आता हूं वेटेड एवरेज मेथड पे। तो वेटेड एवरेज मेथड से भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक लेजर बनाना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज बेसिस, वेटेड एवरेज बेसिस, तो मेरे को यहां पे स्टॉक लेजर बनाना है, स्टॉक लेजर। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, डेट, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, और मैंने यहां पे क्या लिखा, बैलेंस। फिर मैंने यहां पे लिखा क्वांटिटी, रेट, और बचे अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, और अमाउंट। ठीक है जी, तो फटाफट से कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। तो हमें ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 2016। तो 1 जनवरी को मैंने क्या करा, परचेस करा 100 यूनिट्स परचेस करें बच्चे 30 के रेट से परचेस करें, तो ये कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा कि भाई हम लोगों ने 100 यूनिट्स परचेस करें 30 के रेट से परचेस करें, अमाउंट कितना हो गया 3000। तो मेरा बैलेंस भी यही आ जाएगा 100 यूनिट्स 30 के रेट से कितना 3000 रुपीज। फिर बच्चे मैंने क्या करा यहाँ पे 15th जनवरी को मैंने इशू करें 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे इशू करें वो बच्चे मैं किस रेट से इशू करूंगा, 30 के रेट से इशू करूंगा, मतलब 1500। तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा 50, 30 और बच्चे 1500। तो वेटेड एवरेज का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, क्योंकि भाई एक ही जब स्टॉक है मेरे पास, तो क्या उसमें फीफो लगाऊंगा, क्या उसमें मैं लीफो लगाऊंगा, क्या उसमें मैं वेटेड एवरेज लगाऊंगा, तो अभी तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है। फिर बच्चे 1 फरवरी को मैंने फिर से गुड्स परचेस करे 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स जो मैंने परचेस करे वो कितने पे परचेस करे, 40 पर यूनिट के रेट से परचेस करे, तो ये कितना आ जाएगा 8000 रुपीज के मैंने परचेस करे, 8000 के मैंने परचेस करे। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स कर देते हैं, तो चलो हम लोग यहां पे भी स्टॉक को मिक्स करते हैं। तो भाई 50 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स मेरा कितना आ जाएगा 250 यूनिट्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉक को मिक्स कर देते हैं। फीफो और लीफो में हम लोग स्टॉक को अलग अलग रखते हैं, क्योंकि मेरे को इश्यूज करने पड़ते हैं कि भाई जो पहले आया उससे मेरे को पहले इशू करना है, फीफो के केस में, लीफो के केस में जो बाद में आया उससे मैं पहले इशू करूंगा। तो भाई 250 यूनिट्स टोटल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वेटेड एवरेज में स्टॉक को मिक्स कर रहे हैं। तो 50 + 200, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 250। और बच्चे 1500 + 8000 मेरा कितना आ जाएगा 9500 रुपीज।
या भाई स्टॉक को मिक्स करना है तो उनके अमाउंट को भी तो मेरे को मिक्स करना पड़ेगा। तो अब जो ये रेट निकल के आएगा वो बच्चे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 9500 डिवाइडेड बाय 250। तो यहां पे मैं लिखता हूं 9500 डिवाइडेड बाय 250, 9500 डिवाइडेड बाय 250। तो मेरा रेट कितना आ रहा है, रेट अब आ जाएगा 38 का रेट यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, कितना रेट आ जाएगा, 38 का रेट आ जाएगा। फिर बच्चे हमने क्या करा, 15th फरवरी को 100 यूनिट्स जो इशू करें, वो बच्चे ये 38 से तो इशू करे होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3800। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 150, और रेट क्या है 38, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग कैलकुलेट करिए कि कितना आएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 5700। फिर मैंने 20th फरवरी को इशू करे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 38, तो 3800 का इशू करा है, तो मेरे पास बैलेंस बचे 50 38 के रेट से, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1900 रुपीस। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई, 1900 रुपीस। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना आ गया, 1900 रुपीस। तो ये बच्चे मेरा वैल्यूएशन हो गया वेटेड एवरेज के बेसिस में। तो वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक का टोटल कर लेते हैं और अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, और बच्चे अमाउंट को मैं अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो ये तो बच्चे मेरा हो गया वेटेड एवरेज बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल एवरेज की बातें नहीं करी गई है, बट आपको क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों को सिंपल एवरेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम क्वेश्चन को आप लोगों को सिंपल एवरेज मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से बता दिया, आपको सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग एवरेज प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, 30 + 40 / 2, तो एवरेज प्राइस मेरा 35 आ जाएगा और आप लोग उस पर इश्यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इश्यूज जो करेंगे वो आप 35 के रेट पे कर देंगे। तो यहां पर बच्चे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मैं फिर से वापस आता हूं और अब मैं आता हूं नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स पे। तो नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स मेरे कौन कौन से मैंने लिखवाए थे आपको, एक तो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एक होता है लेटेस्ट परचेज प्राइस। तो तीनों ही मेथड्स बच्चे बहुत आसान है, ठीक है, तीनों ही मेथड्स बहुत आसान है, बट ये वाला मेथड जो है वो आप लोग कब पढ़ेंगे, CIPCC में। बेस स्टॉक मेथड भी बच्चे आप लोग CIPCC में पढ़ेंगे। तो चलो अब मैं आता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड पे पहले। तो चलो अब हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। तो बच्चे जब कभी भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, और जो हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं वो बच्चे फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आज परचेस करा, फिर मैं नेक्स्ट डे परचेस कर रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट डे परचेस कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंटली गुड्स को परचेस कर रहा हूं। और बच्चे गुड्स की प्राइस पे फ्रीक्वेंटली क्या आता है, प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब गुड्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं ऑन अ डे बेसिस। अगर मैंने आज गुड्स को परचेस कराया तो लेट्स से 100 रुपीज पे परचेस करा, फिर मैं जब कल परचेस करूंगा तो हो सकता है 99 का हो जाए, फिर नेक्स्ट डे मैं इसको परचेस कर रहा हूं तो 101 पे कर रहा हूं। तो जब कभी भी मैं गुड्स को फ्रीक्वेंटली परचेस करता हूं और उसका जो परचेस प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तब मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं कि भाई एक हम लोग कॉस्ट को सेट कर लेते हैं कि जितने भी इश्यूज होंगे हम लोग इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करेंगे। तो हम लोग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे और जितने भी इश्यूज होंगे वो हम लोग किस पे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन पे दे रखी होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी होगी, आप लोगों को बस इश्यूज किस पे करने, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करने होंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में अगर मेरे साथ लिखना चाहो तो यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख लो चाहो तो, When there is frequent change in the price of raw material and goods are purchased frequently, goods are purchased frequently,
When there is a frequent change in the price of raw material and the goods are purchased frequently, then on the basis of experience, we compute, यहाँ पे लिख लेना मेरे साथ, we compute standard cost and all the issues are made at standard cost. तो बच्चे standard cost से related आप लोगों के module में कोई भी illustration नहीं दे रखा है, तो इसका बच्चे कोई भी एक practical question available नहीं है. तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि हमें कैसे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, 100 यूनिट्स परचेज करे 38 के रेट से, फिर 100 यूनिट्स परचेज करे 39 के रेट से, फिर मैंने 100 यूनिट्स परचेज करे 40 के रेट से. तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली कि भाई जितने भी इश्यूज करेंगे हम लोग 39 के रेट से कर लेंगे. तो मेरे को इशू प्राइस पता है 39 है और मेरा इनपुट प्राइस क्या है 38, 39, 40. तो जितने भी मैं इश्यूज करूंगा किस पे करूंगा, 39 पे करूंगा. तो मान लो कि मैंने इशू करा एक 50 यूनिट्स का, तो वो मैं कितने पे करा 39 पे करा, और मैंने इनपुट कितने पे करा था 100 यूनिट्स करे थे 38 के रेट से. तो मेरा जब बैलेंस होगा 3800 पहले होगा 100 यूनिट्स का, 100 इंटू 38 इज 3800. फिर मैंने 50 इशू कर दिए कितने से, 50 इशू करे 39 के रेट से, तो 39 इंटू अगर 50 मैं कैलकुलेट करता हूं तो 39 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1950. तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा 50 यूनिट्स मेरे पास यहां पे बैलेंस बचेगा. और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो भाई 3800 में से 1950 तो चला गया ना. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम लोग जो अमाउंट है वो लेस करके माइनस करके निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 50 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1850 है. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1850 को 50 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को रेट पता चल जाएगा 37. तो बच्चे ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट की वर्किंग करते हैं कि मेरे को इश्यूज पता है कि मेरे को 39 पे करना है, और मेरे को अपना इनपुट पता है कि भाई इनपुट तो मेरे को नॉर्मली 100 जो यूनिट्स परचेज करें वो 38 के रेट से परचेज करें, तो ये तो 3800 हो गया. इश्यूज में 50 इंटू 39 इंटू 1950, और मैं क्या करूंगा अमाउंट को मैं यहां पे इससे लेस कर दूंगा, तो मेरा अमाउंट जो आएगा बैलेंसिंग फिगर जो भी आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो जाएगा. फिर बच्चे अब हम लोग आते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में. तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के लिए मेरे पास यहां पे जगह नहीं बची है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं. तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बारे में. तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को बच्चे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, रिटेल इन्वेंटरी मेथड. तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का एक और नाम क्या है, रिटेल इन्वेंटरी मेथड. तो चलो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड हमसे क्या बोलता है. तो बच्चे जो ये मेथड होता है इसको हम लोग रिटेल बिजनेसेस में यूज करते हैं, या फिर उन बिजनेसेस में जहां पे इन्वेंटरी के जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. मतलब इन्वेंटरी मेरे पास बहुत ज्यादा है, इन्वेंटरी की मेरे पास वैरायटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो उस केस पे बच्चे मेरे को इंडिविजुअल कॉस्ट हर इन्वेंटरी की निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तब हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का मेथड फॉलो करना पड़ता है. तो चलो पहले मेरे साथ यहां पे लिख लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके बाद. तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो, इट इज used widely, it is used widely in retail business or in business where the inventory comprises of items, the individual
कॉस्ट ऑफ विच आर नॉट रेडली अवेलेबल, आर नॉट रेडली अवेलेबल या फिर असर्टेनेबल, असर्टेनेबल। तो भाई एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हम लोग या तो रिटेल बिजनेस के केस में यूज करते हैं। तो बच्चे रिटेल का जो बिजनेस होता है उसमें हम लोग इन्वेंट्रीज जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ टाइप्स की मेंटेन करते हैं। अगर आप लोग एक स्टेशनरी के शॉप पे चले जाओगे तो वहां पे देखोगे कि भाई तमाम तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, इतने वैरायटीज के पेन होते हैं, ठीक है जी। तो उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट को पूरे को असर्टेन करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, तब हमें ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस मेथड में हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं और बच्चे अपनी सेल्स निकालते हैं, फिर हम लोग ग्रॉस मार्जिन निकाल के अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो सर ये आपने क्या बोला हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिखो पहले द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड बाय, इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग, बाय कैलकुलेटिंग इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस एंड देन डिडक्टिंग, डिडक्टिंग एन अमाउंट, एन अमाउंट इक्वल टू द, इक्वल टू द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन सच स्टॉक्स द कैलकुलेशन ऑफ, द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मे बी मेड फॉर इंडिविजुअल आइटम्स, फॉर इंडिविजुअल आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स एस मे बी, एस मे बी अप्रोप्रिएट टू द, टू द सर्कमस्टांसेस, टू द सर्कमस्टांसेस। तो सर आपने इतना सारा हमको लिखा दिया बट हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखवा है। तो चलो बच्चे अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो बच्चे रिटेल बिजनेस के केस में यूज करते हैं, क्योंकि रिटेल बिजनेस में वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री होती है। तो वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री होती है तो बच्चे उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, तब हम लोग बच्चे ये वाला मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या फिर रिटेल इन्वेंट्री मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ मेरी इन्वेंट्री क्या। तो टोटल कॉस्ट जो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ वो बच्चे मैं इंडिविजुअल आइटम्स की भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और बच्चे मैं ग्रुप ऑफ आइटम्स की भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबल है तो मैं इंडिविजुअल आइटम्स की कैलकुलेट कर लूंगा या फिर मैं ग्रुप ऑफ आइटम्स की कैलकुलेट कर लूंगा। इंडिविजुअल आइटम्स बच्चे मेरा मतलब क्या हो गया कहने का कि भाई हमने निकाला कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स है, लेट्स टेक मैंने पेन की कॉस्ट निकाली, तो मैंने सारे के सारे पेन्स जितने भी मैं रखता हूं अपने शॉप पे उसकी कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली सारे पेन की कॉस्ट नहीं निकाल सकता हूं तो मैंने क्या करा कि भाई मैंने एक ग्रुप बना दिया कि इस तरीके का कोई एक पेन का ग्रुप है और इसकी कॉस्ट ये है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल कॉस्ट निकाली कि भाई
ऑन एन एवरेज ऑन अ टोटल क्या कॉस्ट होनी चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट निकाली 2 लाख रुपीज की, मैंने टोटल स्टॉक की कॉस्ट कितनी निकाली, टोटल स्टॉक की मैंने कितनी कॉस्ट निकाली, मैंने जो टोटल यूनिट्स मैं परचेज करके लाया था, जितना भी स्टॉक मेरे पास रखा था जो मैं परचेज करके लाया था वो कितने का परचेज करके लाया था, 2 लाख रुपए का। फिर मैंने ये ढूंढा कि भाई इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, तो मेरे को पता चला कि भाई सेलिंग प्राइस जो इस पूरे टोटल स्टॉक की है वो है 2,40,000 रुपीज। तो मेरा एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन क्या होना चाहिए, मैंने एक्चुअल सेल थोड़ी ना करी अभी, मेरे को सिर्फ ग्रॉस मार्जिन निकालना है कि अगर मैं इसको पूरे को सेल कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए 40,000 रुपीज का। तो भाई एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो कितना आ जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज, तो ये तो बच्चे कॉस्ट का आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, अगर ये मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 20%। तो ये तो बच्चे एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन किस पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया। बट मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन सेल्स पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालता हूं, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 × 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे तो यह मेरा कितना आएगा, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा 16.67%। तो परसेंटेज ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 16.67% ग्रॉस मार्जिन मेरा। फिर मेरे को क्वेश्चन में क्या बोलेंगे ये लोग बोलेंगे कि आपको इन्वेंट्री दे रखी हुई है, आपको जो इन्वेंट्री दे रखी हुई है उसकी सेल्स प्राइस है, फॉर एग्जांपल सेल्स प्राइस है उसकी 40,000 रुपीज। सेल्स प्राइस इन्वेंट्री की मेरे को कितनी दे रखी है, 40,000 रुपीज मेरे को इन्वेंट्री की सेल्स प्राइस दे रखी है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट निकालनी है। मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री की इन लोगों ने क्या दी, सेल्स प्राइस दी, और हम लोगों ने AS2 के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है कि जो हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे वो किस पे करेंगे, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट मेरे को इन लोगों ने सेल प्राइस बताई है, तो मैं इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो कॉस्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरे को ग्रॉस मार्जिन पता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, 40,000 × मेरा 16.67 ग्रॉस मार्जिन है, 16.67 अगर ग्रॉस मार्जिन है तो बच्चे मेरा कॉस्ट कितना होगा। तो अगर मैं 100 में से 16.67 माइनस कर दूं तो मेरा कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा। तो अगर मैं 40,000 × 83.33% निकालता हूं 40,000 का, तो मेरे को यहां पे मेरी कॉस्ट पता चल जाएगी। तो 40,000 × 83.33% तो मेरी कॉस्ट मेरे को पता चल गई 33,333। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा, जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। तो बच्चे ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन मेरे को कराने की कोशिश करेगा। तो ये सब बातें बच्चे मैंने जो अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाई, यही सब बातें मैंने आपको लिखा रखी हैं। तो चलो एक बार रीड करते हैं। तो क्या लिखवाया है मैंने कि इट इज यूज्ड वाइडली इन रिटेल बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं, और इन बिजनेस वेयर द इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ आइटम्स द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ विच आर नॉट रेडली असर्टेनेबल। तो बच्चे जब कभी भी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं तो हम लोग उसकी कॉस्ट इजिली असर्टेन नहीं कर पाते, तभी इस मेथड को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड, तो हम लोग उसकी परचेज कॉस्ट देखते हैं बाय कैलकुलेटिंग इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एट सेलिंग प्राइस एंड देन डिडक्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन सच स्टॉक। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्रीज का मैं यहां पे निकालूंगा कि भाई मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट कितनी है वो मैं निकाल लूंगा, और बच्चे उसको मैं सेल्स प्राइस से लेस करूंगा। तो कॉस्ट को अगर मैं सेल्स प्राइस से लेस करूंगा तो मैं यहां पे क्या निकाल लूंगा, ग्रॉस मार्जिन निकाल लूंगा, और ग्रॉस मार्जिन को मैं किससे डिडक्ट कर दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज से डिडक्ट कर दूंगा। तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी इन्वेंट्रीज की क्या वैल्यूएशन है। द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मे बी मेड फॉर इंडिविजुअल आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स एज मे बी अप्रोप्रिएट। तो मेरे को यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस मार्जिन माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे को यहां पे अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट पता चल जाएगी, और ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालना है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ओपन करिएगा।
क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्या दे रखा हुआ है, मेसर एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस 15,75,500 और बच्चे ट्रेड डिस्काउंट 3% का, सेल्स टैक्स है 11% का। फिर दे रखा है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 रुपीस, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मेरे को दे रखा है कितना 22,45,500 रुपीस, और बच्चे सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को दे रखी है 2,35,000 रुपीस। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो जैसे बच्चे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, बस वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे परचेज प्राइस जो बताइए वो कितनी बताइए, 15,75,500, मतलब ये मेरी क्या है, लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। और बच्चे मेरे को अभी इसमें एडजस्टमेंट किसका करना है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट का करना है और टैक्सेस का करना है, तब मेरे को करेक्ट परचेज प्राइस पता चलेगी। और परचेज प्राइस जब कभी भी मैं निकालूंगा तो मैंने आपको बताया है कि मेरे को अपने रास्ते के एक्सपेंसेस भी ऐड करने पड़ेंगे, तो जो भी मेरी परचेज रिलेटेड कॉस्ट है वो भी मेरे परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले अपना परचेज प्राइस निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। तो भाई मैंने कितने के गुड्स परचेज कर रखे हैं, उनकी लिस्ट प्राइस मेरे को दे रखी है 15,75,500 रुपीस। फिर इसमें से बच्चे मेरे को क्या लेस करना पड़ेगा, अपना ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मेरे को कितना दे रखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट जो मेरे को दे रखा है वो 3% का दे रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 3%। तो 15,75,500 का अगर मैं 3% निकालता हूं, 15,75,500 का अगर मैं 3% निकालता हूं तो ये कितना आ रहा है, 47,265। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, नेट परचेज प्राइस होनी चाहिए मेरी, क्या हो जाएगी ये परचेज प्राइस हो जाएगी। बच्चे इतने में मैंने गुड्स को परचेज करा होगा, ये मैंने क्या करा निकाला, तो अगर ये आ रहा है कितना 15,28,235 रुपीस। फिर बच्चे मैंने इस पे क्या करा होगा, टैक्स पे करा होगा। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर मेरे को टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, अगर मेरे को टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा तो मेरे को उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है, और अगर मेरे को टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मेरे को उसका कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम करा कि भाई जो सेल्स टैक्स है उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मेरे को इसका अपने कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो सेल्स टैक्स एट द रेट 11%, तो इसका अगर मैं 11% निकालता हूँ, 15,28,235 का 11% अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 1,68,106 रुपीस। तो ये बच्चे मेरी क्या आएगी, ये मेरी आएगी परचेज कॉस्ट, ठीक है, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, 16,96,341 रुपीस। फिर मैंने कुछ रास्ते के खर्चे इनकर करें, तो रास्ते के खर्चे मैंने कितने इनकर करें, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ये भी मेरे इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, जैसे कि हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में भी कैलकुलेट करते थे, जब कभी भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते थे हम लोग रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग रास्ते के एक्सपेंसेस तो भाई ऐड करेंगे। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो मेरे निकल के आ रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 87,500। तो अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूं तो ये फाइनल मेरी कॉस्ट ऑफ परचेस निकल के आएगी, तो ये आ रही है बच्चे मेरी 17,83,841 रुपीस। ये मेरी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ परचेस आ गई। फिर मेरे को ये निकालना है कि भाई जो ये मैं गुड्स परचेस करके लाया हूं इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, सेल्स। तो सेल्स मेरी क्या होगी बच्चे, तो सेल्स के लिए मेरे को दे रखा है, मतलब सेल्स टोटल सेल्स जो मैं इस गुड्स को अगर बेचता हूं तो मेरे को सेलिंग प्राइस क्या मिलती, मैं कितने पे सेल्स करता, तो मेरे को ये दे रखा है कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर,
सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मेरे को दे रखी हुई है 22,45,500 प्लस मैं इसमें क्या कर दूंगा भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। मेरे को ये निकालना है भाई कि ये जो टोटल 100% मैं गुड्स परचेस करके लाया हूं, इसको अगर मैं सेल कर दूं तो मेरे को कितना सेलिंग सेल्स का वैल्यू मिलेगा, कि मेरे का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा। ये तो बच्चे 100 में से मान लो अगर मैंने 100 में से 80% सेल्स करा, तो इससे मेरे को सिर्फ 80% सेल्स थोड़ी ना चाहिए, मेरे को टोटल सेल्स चाहिए कि अगर मैं 100 में से 100% सेल करता तो उसकी मेरे को सेल्स रेवेन्यू कितना मिलता। तो मेरे को यहां पे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 2,35,000 रुपीज। तो 100% में हो सकता है 80% मैंने सेल्स करी, 20% अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो टोटल सेल्स अगर मैं 100% सेल्स करता तो मेरे को कितना सेल्स रेवेन्यू यहां पे मिलता, वो मैंने यहां पे निकाला। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये आ रहा है 22,45,500 प्लस 2,35,000। तो अगर मैं पूरा का पूरा परचेस अपना अगर सेल कर देता तो मेरे को रियलाइज कितना होता, 24,80,500 रुपीज। टोटल सेल्स मेरी कितनी होती, 24,80,500 रुपीज। और मेरे को परचेस पता है, तो मैंने यहां पे क्या निकाला, ग्रॉस मार्जिन। मेरा प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, ग्रॉस मार्जिन क्या निकल के आएगा, तो मैंने यहां पे लिखा 2,480,500 माइनस 1,783,841 तो ये मेरा आ रहा है 696,659 मेरा ग्रॉस मार्जिन आ रहा है। फिर मेरे को ये ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज किसका चाहिए, सेल्स का परसेंटेज चाहिए। तो 696,659 डिवाइडेड बाय 2,480,500 × 100। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2,480,500 × 100 अगर मैं करता हूं तो मेरा परसेंटेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28.09% 28.09% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। मेरे को पता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी हुई है, मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखी है, अब मेरे को इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे को दे रखी हुई है 2,35,000 रुपीज की, तो अगर मैं इसमें से ग्रॉस मार्जिन लेस कर दूं, ग्रॉस मार्जिन अगर मैं लेस करता हूं 28.09%, तो मैं 2,35,000 का अगर मैं 28.09% निकालता हूं तो ये बच्चे मेरा आ रहा है 66,012 रुपीज। तो मेरा यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी आ जाएगी, तो ये आ रही है 1,68,988 रुपीज। तो यहां पे बच्चे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है भाई, कॉस्ट निकालनी पड़ती कि जितने भी गुड्स हम लोग परचेस करके ला रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या। तो कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई जितनी भी उसकी परचेज कॉस्ट है और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, रास्ते के एक्सपेंसेस। तो परचेज कॉस्ट में बच्चे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लेस करते थे, और अगर टैक्स का मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट का पार्ट बना लूंगा, और अगर टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है तो मैं इसको अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो सर ये टैक्स का क्रेडिट मिलना और ना मिलने का क्या मतलब हुआ, तो बच्चे ये सब चीजें जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आप लोग सीखोगे कि भाई टैक्स का क्रेडिट मिलना और ना मिलने का क्या मतलब है, ठीक है जी। वैसे मैंने शायद आपसे डिस्कस कर रखा है जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में जीएसटी के बारे में बताया था, तो शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था, अगर डिस्कस नहीं करा है तो कोई भी बात बिल्कुल भी परेशान मत हो आप लोग, जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में आओगे तो आप लोग इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। बस अभी आप लोग क्या याद करो कि आप लोगों को बस इतना याद रखना, अगर टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है तो मेरे को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है, और अगर टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मेरे को कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो चाहो तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ नोट लिख लो आप लोग, नोट यहाँ पे मेरे साथ लिख लो,
कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स, तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो मेरे साथ यहां पे आप लोग लिखिएगा। तो एक तो हो जाएगा मेरा परचेज प्राइस, जिस रेट पे मैं परचेज करके आ रहा हूं, तो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और बच्चे अगर कैश डिस्काउंट मेरे को दे रखा है, तो कैश डिस्काउंट कभी भी हम लोग परचेज प्राइस से लेस नहीं करते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सक्लूडिंग कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो कैश डिस्काउंट कभी भी परचेज प्राइस से लेस मत करिएगा, एक्सक्लूडिंग कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मेरे को यहां पे लेस नहीं करना है, ठीक है। तो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, फिर मैं इसमें क्या करूंगा, टैक्सेस ऐड कर दूंगा इफ, यहां पे ब्रैकेट में लिखना इफ, इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मेरे को टैक्सेस ऐड करना है। अगर क्रेडिट मिल रहा है तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को टैक्सेस नहीं ऐड करना है। फिर मेरे को कुछ रास्ते के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रेट इनवर्ड वगैरह, या फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, फ्रेट इनवर्ड मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेट इनवर्ड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी, फ्रेट इनवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भी जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं रास्ते के, वो भी मेरे को यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल दिया, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ परचेज बच्चे मेरा ये होता है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में हमेशा याद रखना टैक्सेस का, अगर मेरे को क्रेडिट मिल रहा है, अगर मेरे को क्रेडिट मिल रहा है तो मेरे को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मेरे को कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सर क्रेडिट मिलना और ना मिलना ये हम लोग कब सीखेंगे, सीए इंटरमीडिएट पे, ठीक है, सीए इंटरमीडिएट में जब टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो बच्चे हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें कॉस्ट ऑफ परचेज पता होना चाहिए, मेरे को अपना टोटल सेल्स पता होना चाहिए, मतलब जितना मैं गुड्स परचेज करके लाया हूं, तो उसमें से अगर मैं पूरा का पूरा गुड्स सेल कर देता हूं तो मेरे को कितना सेल्स रेवेन्यू मिलेगा वो मेरे को लिखना होता है। फिर सेल्स रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करूंगा तो मेरा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, और ग्रॉस मार्जिन जहां आ गया बच्चे मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री पता है, उसमें से मैं ग्रॉस मार्जिन लेस कर दूंगा, तो बच्चे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चे हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। फिर बच्चे मेरे को अब आपसे कुछ और बातें करनी है। तो बच्चे जैसे कि हम लोग अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते होंगे, अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते होंगे। तो भाई इन्वेंट्री के जो हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं वो हमें सीखना है। तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए मैंने आपको स्टोर लेजर तो बनाना सिखा दिया, स्टोर लेजर तो बनाना सिखा दिया, बट बच्चे मेरे को उन सिस्टम्स के बारे में बताना है कि जिस सिस्टम्स के अंदर आप लोग स्टोर्स के लेजर बना रहे हो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा सीखना है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो बच्चे दो सिस्टम्स के अंदर मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो हम लोग दो सिस्टम्स के अंदर मेंटेन करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी तक टेक्निक सीखी थी कि भाई इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। एक हम लोगों ने सीखा था कि भाई फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये सब मेथड्स हम लोगों ने सीखे थे। फिर हम लोगों को अब क्या सीखना है कि भाई इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहे हैं वो किस सिस्टम के अंदर मेंटेन हो रहे हैं, मेरे को कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में या तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो होता होगा या फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो होता होगा या फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो होता होगा। तो इन दोनों में से कोई एक सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो भाई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जब कभी भी हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंड आने वाला होता है, जब कभी भी मेरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने वाला होता है, तो जैसे कि मेरा अकाउंटिंग ईयर जो कंप्लीट हो रहा है वो कब होता है, 31 मार्च को होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग 31 मार्च के आसपास
31 मार्च के आसपास हम लोग इन्वेंट्री की काउंटिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक डेट फिक्स करा 27 मार्च। 27 मार्च हमने फिक्स करी कि भाई हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन पूरी की पूरी इन्वेंट्री काउंट करेंगे। तो इन्वेंट्री काउंट करने में एक दो दिन का टाइम लग जाता है। तो जब कभी भी हम लोग इन्वेंट्री को काउंट करते हैं बच्चे, तो मेरे को 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बच्चे इतनी बड़ी होती है कि मेरे को जगह जगह ढूंढना पड़ता है कि इन्वेंट्री मेरी कहाँ कहाँ रखी हुई है। तो इन्वेंट्री काउंट करने में मेरे को 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। और बच्चे मेरे को जनरली अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ता है। सर, ये ऑपरेशंस को सस्पेंड क्यों करना पड़ता है? बच्चे मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। इन्वेंट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे इन्वेंट्री में एक तो रॉ मटेरियल होता है, एक होता है WIP, एक होता है फिनिश गुड्स। ये बच्चे एक लोकेशन यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है, यहाँ पे WIP रखा है और यहाँ पे फिनिश गुड्स रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है, यहाँ पे WIP रखा है और ये फिनिश गुड्स रखा है। ये बच्चे मेरी क्या है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री में तीनों अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। अगर मैं अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड नहीं करता, अगर मैं अपने ऑपरेशंस को रोकता नहीं हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करता हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करता हूं, तो बच्चे समझने की कोशिश करना, मैं यहां पे स्टॉक गिन लो। मैं पहले दिन था रॉ मटेरियल की काउंटिंग कर रहा था। ठीक है जी, रॉ मटेरियल की काउंटिंग कर रहा था, तो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की काउंटिंग कर ली, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 100 यूनिट्स है। ठीक, नेक्स्ट डे मैं गया WIP की काउंटिंग करने के लिए, तो मेरे को क्या पता चला कि भाई रॉ मटेरियल से कुछ यूनिट्स WIP के लिए इशू हो गए, मतलब प्रोडक्शन के लिए इशू हो गए। तो भाई जो यूनिट्स मैंने यहाँ पे काउंट कर ली, यहाँ पे मैंने 100 यूनिट्स काउंट कर लिए, तो WIP के लेट्स से 100 यूनिट्स थे, तो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल जो WIP में आया, तो वो भी 5 यूनिट्स इसमें शामिल हो गए, तो 105 हो गए। तो मैंने क्या करा, एक ही यूनिट्स को 2 बार काउंट कर लिया, मतलब 5 यूनिट्स मैंने ये वाले यहाँ पे भी काउंट करे, यहाँ पे भी काउंट कर लिया। तो इससे क्या होता है बच्चे, मेरा स्टॉक टेकिंग गड़बड़ हो जाता है। तो जब कभी भी स्टॉक टेकिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग एक तो अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होने वाला होता है, जब एंड होने वाला होता है, तब हम लोग इसकी स्टॉक टेकिंग करते हैं। हम लोग स्टॉक को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो जब कभी भी स्टॉक को काउंट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ेगा। ऑपरेशंस मतलब हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को रोकना पड़ेगा, हमें अपना परचेजेस को रोकना पड़ेगा कि भाई जितना स्टॉक पे है पहले वो हम लोग गिनेंगे। तो ये ना हो जाए कि भाई मल्टीपल काउंटिंग ना हो जाए, डबल डबल मेहनत ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑपरेशंस को सस्पेंड करते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है बच्चे कि कुछ WIP से फिनिश गुड्स पे चला गया, आज मैंने इसको गिना कि ये कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। फिर मैं जब नेक्स्ट डे फिनिश गुड्स का करने गया, तो मेरे को पता चला कि 10 यूनिट्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में चले गए, तो भाई टोटल यूनिट्स 110 आ रहे हैं, तो इसमें 10 यूनिट ये वाले भी शामिल होंगे। तो इससे क्या होता है बच्चे, जो मेरा इन्वेंट्री काउंट का रिजल्ट आएगा वो बच्चे मैन्युपुलेट हो जाएगा, वो गलत आएगा। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ता है। तो हम लोग जब कभी भी इन्वेंट्रीज को काउंट करते हैं नियर द अकाउंटिंग क्लोज डेट, जिस दिन भी मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, उसके आसपास हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो जैसे कि कभी कभी अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती तो वो लोग अपना 31 मार्च को ही करती हैं, क्योंकि 31 मार्च को बेस्ट रहता है। बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनकी इतनी इन्वेंट्रीज होती है, तमाम इन्वेंट्रीज होती है, तो बच्चे उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो लोग एक दिन में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कंप्लीट कर लें। उनको 2-3-4 दिन लगता है वैल्यूएशन कंप्लीट करने में। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तब दिक्कत नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो बच्चे वो सेम डेट नहीं कर पाती, उनको 3-4 दिन लगता है, तो 3-4 दिन के लिए ऑपरेशन सस्पेंड करती है वो। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं ऑपरेशन सस्पेंड करने के बाद। जब ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएंगे तो बच्चे रॉ मटेरियल से WIP में गुड्स नहीं जाएगा और WIP से फिनिश गुड्स में गुड्स नहीं जा रहे। तो मैंने एक दिन यहाँ पे 100 यूनिट्स काउंट करे, नेक्स्ट दिन यहाँ पे 100 यूनिट्स काउंट करे और यहाँ पे मैंने 100 यूनिट्स काउंट करे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल 100 यूनिट्स है, WIP 100 यूनिट्स है, फिनिश गुड्स भी 100 यूनिट्स है। फिर मैं एक रेंडमली एक एवरेज प्राइस लेता हूँ कि भाई इस प्राइस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए आती है, WIP को हम लोग 15 पे वैल्यू करते हैं और फिनिश गुड्स को हम लोग 20 पे वैल्यू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्लोदिंग स्टॉक निकाल लेते हैं टोटल करके कि भाई मेरा टोटल स्टॉक क्लोदिंग का कितना आ जाएगा। मेरा टोटल स्टॉक आ जाएगा 4,500 रुपीज, जिसमें कि रॉ मटेरियल 1,000 रुपीज का है, WIP 1,500 की है और फिनिश गुड्स 2,000 रुपीज का है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट करते हैं। हम लोग इन्वेंट्री को काउंट करते हैं जाके उस लोकेशन पे जाके जिस जगह पे भी इन्वेंट्री रखी है। जहां कहीं भी इन्वेंट्री मेरी रखी है उस जगह पे मैं जाऊंगा, उस जगह पे जाके इन्वेंट्री की काउंटिंग करूंगा, इन्वेंट्री को गिनूंगा। तो बच्चे जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, हमारे CAs होते हैं, उनको स्टॉक ऑडिट मिलता है इसी वजह से,
कि जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दे रखी है क्या वो एक्चुअल इन्वेंट्री मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जनरली जो स्टॉक ऑडिट होते हैं वो बच्चे मैनेजमेंट भी करवाती है, और साथ ही साथ जब कभी भी आप लोग जैसे बैंक में लोन लेने जाते हो, जो आप लोग कैश क्रेडिट की लिमिट लेते हो, तो वो बच्चे स्टॉक के अगेंस्ट मिलती है, स्टॉक के अगेंस्ट मिलती है, तो बैंक भी हम लोगों को स्टॉक ऑडिट करने के लिए बोलता है। तो हमें यहाँ पे स्टॉक को जाके क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि भाई जो मैनेजमेंट ने ये जो स्टॉक दे रखा है वो सही दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो सर जिस दिन हम लोग गिनने जाएंगे वो दिन तो अलग होगा, तो बच्चे हम लोगों को कुछ एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 27th मार्च को वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो 27th मार्च के अकॉर्डिंग कितना वैल्यूएशन आया मेरा, 4500। बट बच्चे जो हम लोग 31st मार्च को वैल्यूएशन करेंगे, मतलब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हमें तो भाई 31st मार्च को बैलेंस शीट बनानी है ना, तो उसके लिए मेरे उसके लिए 27th मार्च का स्टॉक क्या रेलेवेंट है, क्या 27th मार्च का स्टॉक रेलेवेंट होगा 31st मार्च के लिए? भाई 27th मार्च के बाद हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस हो गए हो, कुछ परचेस हो गया हो जिस दिन मैंने वैल्यूएशन करा, या कुछ सेल्स हो गया हो। भाई मैं 4 दिन बैठा थोड़ी ना रहूंगा, 4 दिन मैं अपना बिजनेस थोड़ी ना बंद कर दूंगा। मैंने वैल्यूएशन 27th मार्च को कर लिया, चलो मैंने एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, अब भाई वैल्यूएशन हो चुका है उसके बाद भी हम लोग 31 मार्च तक का वेट करें? हम लोग क्या 4 दिन तक अपनी फैक्ट्री बंद कर दें? हम क्या बोल दें कि भाई हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे जब तक 31st मार्च नहीं आ जाएगा, या फिर हम कोई भी सेल नहीं करेंगे जब तक 31st मार्च नहीं आ जाएगा? तो ये बच्चे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 31st मार्च के आसपास इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर लेते हैं और बच्चे परचेज और सेल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 27th मार्च के बाद 2000 की परचेज करी और 1000 की सेल करी, तो भाई अगर परचेज करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2000, और बच्चे सेल करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तो मैं यहाँ पे -1000 कर लूंगा। तो 31st मार्च का मेरा वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 31st मार्च को जो मेरा वैल्यूएशन आएगा वो आएगा 5500 रुपीज का। तो हम लोग क्या करते हैं, नियर टू बैलेंस शीट डेट हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं और बच्चे ये सब एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं जिससे कि हमें अपना 31st मार्च का वैल्यूएशन पता चल सके। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं स्टॉक टेकिंग करते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक टेकिंग, जो हम लोग इन्वेंट्रीज को गिनते हैं जाके साइट पे, लोकेशन पे जाके जो इन्वेंट्रीज की काउंटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक टेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक टेकिंग। और स्टॉक टेकिंग जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो हम लोग बैलेंस शीट डेट के आसपास कंडक्ट करते हैं, जब कभी भी मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने को आ जाता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो चलो पहले पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं आता हूं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में मेरे साथ लिखो आप लोग थोड़ा सा, सो इट इज अ मेथड ऑफ, इट इज अ मेथड ऑफ असर्टनिंग, ऑफ असर्टनिंग इन्वेंट्री, इट इज अ मेथड ऑफ असर्टनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग, बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल, बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स, ऑफ ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स ऑन हैंड एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर डेट ऑन विच, ऑन विच इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड, ऑन विच इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअल फिजिकल काउंट, एक्चुअल फिजिकल काउंट, इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअल फिजिकल काउंट द सिस्टम इज कॉल्ड, द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिख सकते हो, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम,
फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम या फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं जिस दिन भी मेरे को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जनरली मेरे को बैलेंस शीट डेट के आसपास करना होता है। तो अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग 31 मार्च को करते हैं, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल नहीं होता है कि 31 मार्च को ही हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करें। तो जो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चे, उसमें तो कई कई दिन लग जाते हैं, तो कई कई दिन लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही शुरू कर लेते हैं या फिर बैलेंस शीट के डेट के आसपास कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। तो अगर मैं इसके कुछ लिमिटेशंस लिखना चाहूँ तो भाई इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें आने चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई लिमिटेशंस बताओ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के या फिर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम के। तो यहाँ पे मेरे साथ लिमिटेशंस लिखना। तो भाई पहली लिमिटेशन हमारी क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करना कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो ईयर एंड पे बना रहे हैं, बट बच्चे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसमें मंथली बैलेंस शीट बनती है, क्वार्टरली बैलेंस शीट्स बनती हैं, हाफ ईयरली बैलेंस शीट्स बनती हैं। तो भाई जितनी बार मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्या मैं उतनी बार जाके इन्वेंट्री को गिनूं? अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो करता हूं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर मैं फॉलो करता हूं और बच्चे मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने बैलेंस शीट बनती है, हर क्वार्टर में बैलेंस शीट बनती है, हर सिक्स मंथली बैलेंस शीट बनती है, तो भाई जितनी बार भी मेरे को बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी उतनी बार मेरे को इन्वेंट्री जाके गिननी पड़ेगी। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वेंट्री को गिनना? नहीं सर, नहीं। फिर तो वो लोग सर इन्वेंट्री गिनते रह जाएंगे। तो यहां पे लिखना पहला लिमिटेशन। तो पहले लिमिटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस अ ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर बाय मेकिंग दिस सिस्टम मोर एक्सपेंसिव। तो अगर मैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता हूं तो ये बच्चे मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरे को हर महीने या फिर हर क्वार्टर में या फिर हर छह महीने में इन्वेंट्री का काउंट कराना पड़ेगा। फिर दूसरा लिमिटेशन हमारा क्या हो सकता है कि भाई जब कभी भी मैं फिजिकल काउंट कराऊंगा, जब कभी भी मैं स्टॉक टेकिंग कराऊंगा, तो मेरे को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, मेरे को अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बच्चे मेरे लिए क्या एक लिमिटेशन है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फिजिकल काउंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। तो हमें नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ेगा जितनी देर भी इन्वेंट्री काउंट चलेगा। तो ये भी बच्चे मेरी क्या हो गई, एक तरीके की लिमिटेशन हो गई। तो बच्चे जब कभी भी हम लोग इन्वेंट्री को गिनते हैं, तो भाई जो बंदा इन्वेंट्री को गिन रहा है, जैसे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट गया गिनने इन्वेंट्री को, तो भाई इन्वेंट्री जो यहाँ पर रखी हुई है तो उसको क्या पता है कि भाई ये ऑब्सोलीट मटेरियल है, हो सकता है कुछ डिस्ट्रॉयड मटेरियल, तो वो भाई उसको कैसे पता चलेगा कि ये खराब मटेरियल है या अच्छा मटेरियल है? चार्टेड अकाउंटेंट को ये थोड़ी ना पता होता, चार्टेड अकाउंटेंट भाई फिगर से खेलता है, ये थोड़ी ना पता है कि भाई उसको ये इन्वेंट्री जो रखी वो अच्छी इन्वेंट्री है कि खराब इन्वेंट्री है, वो तो भाई उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो जब कभी भी उसको इंक्लूड कर लेगा और कॉस्ट निकालेगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू लो होगी, क्योंकि वो तो भाई डिस्ट्रॉयड है, वो तो ऑब्सोलीट हो गया, बट हम लोग उसको जो नॉर्मल इन्वेंट्रीज के प्राइस पे ले रहे हैं उसको सेम प्राइस में इसको भी ले लेंगे,
तो इससे मेरा जो क्लोदिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा वो बच्चे गलत आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि भाई इट कैन इंक्लूड, इट कैन इंक्लूड, इट कैन इंक्लूड, इट कैन इंक्लूड, आप लोग लिख सकते हो ऑब्सोलीट गुड्स, ऑब्सोलीट गुड्स ऑब्लिक डिस्ट्रॉयड गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस चीज का लिमिटेशन हो जाएगा। और बच्चे एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल बच्चे पॉसिबल नहीं होता। हम लोग अगर ईयर एंड में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो भाई इन्वेंट्री को मैं कंट्रोल कैसे करूंगा, मैंने ईयर एंड पे देखा कि इतनी इन्वेंट्री है, अब मैं इन्वेंट्रीज को चेक कैसे करूंगा कि भाई इन्वेंट्रीज जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं वो तो मैंने कैलकुलेट कर ली, बट बच्चे टाइम टू टाइम कोई अगर मेरा स्टाफ चोरी करके इन्वेंट्री ले जा रहा है, तो अगर मैं कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहा हूं, अगर मैं अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहा हूं, मेरा स्टाफ ने क्या करा, कुछ गुड्स चोरी करके ले गया, फिर जब मैं नेक्स्ट बैलेंस शीट में काउंट करूंगा तो वो मैं मिला थोड़ी ना पाऊंगा कि भाई पिछले में इतना था तो मैंने इतने इनपुट करे फिर आउटपुट करे। तो जब मैं कोई एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहा हूं तो भाई इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम, क्योंकि मैं क्या करता हूं ईयरली स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं, तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम। तो बच्चे अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करूं तो बच्चे इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन होते हैं, इसमें बस हम लोग ईयर एंड में इन्वेंट्री को गिनते हैं और उसका वैल्यूएशन कर देते हैं, उसको एक एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मेरे को अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पता चल जाती है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इन्वेंट्री को गिनते हैं और उसको एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर लेते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। तो भाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री से रिलेटेड मेंटेन करते हैं। और बच्चे साल में एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल काउंट भी कर लेते हैं कि भाई जो हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड्स दे रखा है, हम लोग जैसे कि क्या करते हैं एक स्टोर्स लेजर बना रहे थे, ठीक है, स्टोर्स लेजर में हम लोग लिखते हैं कि भाई कितना आया कितना गया और कितना बैलेंस है। तो जितना बैलेंस है बच्चे वो कभी कभी हम लोग साल में क्या करते हैं इसको गिन लेते हैं कि भाई जितना बैलेंस दे रखा है वो एक्चुअली में मेरे पास स्टॉक में रखा है कि नहीं रखा है। तो इससे क्या होता है बच्चे डबल चेकिंग हो जाती है कि जो यहां पे दे रखा है वो सही है कि नहीं, जो मेरे पास एक्चुअल स्टॉक में है वो सही है कि नहीं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि कितना मटेरियल आ रहा है कितना मटेरियल जा रहा है और कितना बैलेंस है। बट ये बच्चे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग नहीं करते थे। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते थे कि भाई ईयर एंड पे वैल्यूएशन करा, वैल्यूएशन मतलब ईयर एंड पे काउंटिंग करी और उसका वैल्यूएशन कर लिया। परपेचुअल में हम लोग क्या करते हैं बच्चे प्रॉपर स्टोर्स लेजर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि मेरे को आज कोई पूछ दे कि मेरे पास इन्वेंट्री में कितना मटेरियल है तो मैं स्टोर्स लेजर में देखूंगा, मैं बैलेंस में देखूंगा कि मेरे पास 100 यूनिट्स है, तो मैं अपने मैनेजमेंट को तुरंत बता दूंगा क्या कि सर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं और इस रेट के और ये अमाउंट आ रहा है। तो ये बच्चे मेरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी आप लोग मेडिकल स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, एक अच्छे मेडिकल स्टोर पर या फिर किसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर जाइएगा तो आप उनसे पूछिएगा कि भैया भैया आपके पास क्या ये दवाई है, ये वाली दवाई आपके पास रखी है क्या, आप डॉक्टर का वो लेकर जाइएगा क्या कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर आप बोलते नहीं पर्चा जिसमें वो अपने दवाई लिखते हैं, तो वो आप जब लेकर जाओगे कि पूछोगे कि भैया ये वाली मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने एक कंप्यूटर में चेक करते हैं कि भाई टाइप करते हैं उस मेडिसिन का नाम और चेक करते हैं कि भाई उसका स्टॉक है कि नहीं। तो मेडिसिन का नाम टाइप करेंगे तो उसमें लिख के आता है कि आपके पास 2 यूनिट्स रखे हुए हैं, तो 2 यूनिट्स दवाई के रखे, तो वो बोलेंगे हाँ भैया हमारे पास 2 यूनिट्स है और फटाफट से ढूंढ के निकाल के वो 2 यूनिट्स आपको दे देंगे। और फिर यहाँ पे चेक क्या करेंगे, फिर अगर 0 होगा तो वो बोल देंगे कि भाई मेरे पास अभी नहीं है आप जा सकते हो, तो आप बोलते हो भैया एक बार चेक तो कर लो, तो वो क्या बोलता है भाई कि हमने कंप्यूटर में देख लिया, कंप्यूटर में एंट्री में क्या आ रहा है 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर बच्चे वही चीज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता तो हम लोग बोलते कि भैया ये वाली दवाई है कि नहीं, तो वो क्या करता कि भाई डब्बे में अपने चेक करता कि यहाँ पे दवाई रखी कि नहीं रखी, अगर रखी होती तो वो आपको दे देता, नहीं होती तो वो आपको मना कर देता। बट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में वो अपने सिस्टम के थ्रू चेक कर लेगा, अपने कंप्यूटर के थ्रू चेक कर लेगा कि उसके पास दवाई है कि नहीं है।
तो बच्चे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो चलो यहां पे मेरे साथ लिख लेना, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में यहां पे लिखना मेरे साथ, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि कोई भी मेरे से कभी भी पूछ ले कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में देख के बता सकता हूँ। और मैं साल में एक बार क्या करता हूँ कि भाई एक्चुअल फिजिकल काउंट भी कर लेता हूँ, कि जिससे मैं चेक कर सकूँ, मैं अपने आपको डबल श्योर कर सकूँ कि जो चीज़ मेरे को रिकॉर्ड्स में दे रखी है वो मेरे पास एक्चुअली में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अपने आपको डबल श्योर करने के लिए कभी कभी इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहां पे लिखना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में मेरे साथ, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, मेंटेन्ड बाय द, मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, maintained by the controlling department, which reflects the physical movement of goods, physical movements of stock लिख सकते हो, and their current balance। तो फिस्कल मूवमेंट का बच्चे क्या मतलब हो गया, रिसिप्ट एंड इश्यूज एंड देयर करंट बैलेंस। जैसे कि हम लोग अभी स्टॉक लेजर बना रहे थे, तो एंड देयर करंट बैलेंस, तो स्टॉक लेजर हम लोग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर बनाते हैं, ठीक है जी। तो एंड देयर करंट बैलेंस, तो इसके बारे में और थोड़ा सा लिखना आप लोग कि परपेचुअल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटेनिंग, मेंटेनिंग क्वांटिटेटिव एंड वैल्युएशन रिकॉर्ड, एंड वैल्युएशन रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, वैल्युएशन रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक and its continuous, and its continuous, and its continuous cross verification। तो हम लोग cross verification कैसे करते हैं, and its continuous cross verification with the physical stock in hand, with the फिजिकल स्टॉक इन हैंड। तो अपने आपको डबल श्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग इस सिस्टम में क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स बच्चे क्वांटिटी के टर्म्स में भी और बच्चे वैल्यू के टर्म्स में भी। तो जब हम लोग स्टोर्स लेजर बना रहे थे उसमें क्वांटिटी भी लिख रहे थे और उसमें अमाउंट भी लिख रहे थे, तो क्वांटिटी के टर्म्स में और वैल्यू के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि मतलब जो चीज हम लोगों ने बनाई है वो सही कराई बनाई है कि नहीं बनाई है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टॉक की टेकिंग कर लेते हैं, मतलब स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं एक बार। तो इससे हम लोग अपने आप को डबल श्योर कर लेते हैं। तो ये बच्चे मेरा होता था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये मेरा क्या होता था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने पीरियोडिक एज वेल एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया। तो पीरियोडिक में हम लोग क्या करते थे, हम लोग इन्वेंट्रीज को फिजिकली काउंट करते थे, फिजिकली काउंट करते थे नियर द बैलेंस शीट डेट, और बच्चे हम लोग उसमें एडजस्टमेंट्स कर लेते थे जिससे कि मेरे को 31 मार्च की वैल्यू पता चल जाए। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते थे, हम लोग बस क्या करते थे नियर द बैलेंस शीट डेट उसकी काउंटिंग करते थे और एक एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम लोग एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे जो भी हम लोगों ने काउंटिंग कर रखी है, तो मेरे को अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पता चल जाता था। तो मेरे को इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को रोकना पड़ता था, ठीक है जी। तो ये सब चीजें पीरियोडिक की बात हुई, परपेचुअल में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं।
तो हम लोग इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल इज पॉसिबल. इन्वेंट्री कंट्रोल हम लोग देख सकते हैं कि भाई कितने गुड्स इश्यू हो रहे हैं, कितने परचेज हो रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कंट्रोल लगा सकते हैं. अगर गुड्स ज्यादा इश्यू हो रहे हैं तो हम लोग चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं चोरी हो रहे हैं तो मेरे को पता चल जाएगा क्योंकि मेरे को फिजिकल रिकॉर्ड्स में तो मेंशन है ना. तो हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल इसमें कर सकते हैं. और बच्चे हम लोग इसको कैसे करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपर स्टोर्स लेजर मेंटेन करते हैं, तो मेरे को क्वांटिटी के टर्म्स में भी वैल्यू पता चल जाती है, और मेरे को वैल्यू के टर्म्स में भी मतलब अमाउंट के टर्म्स में भी मेरे को वैल्यू पता चल जाती है. और अपने आप को डबल श्योर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन करता हूँ विद द फिजिकल स्टॉक इन हैंड. तो ये बच्चे मेरा हो गया क्या, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हम लोग दो तरीके से मेंटेन करते थे, एक होता था पीरियोडिक, एक होता था परपेचुअल. तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है. मैं आज के लिए आपको और नहीं पढ़ा रहा हूं. तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी कि भाई हमारी इन्वेंट्रीज क्या होती हैं एज पर AS2. तो इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर टू बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर टू बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो इन्वेंट्रीज बच्चे हमारी क्या होते हैं, बिजनेस के वो एसेट्स होते हैं जिसमें हम लोग डील करते हैं. तो इन्वेंट्रीज अगर मैं बोलूं तो बच्चे हमारे रॉ मटेरियल, एक हमारा होता है वर्क इन प्रोसेस, एक होता है फिनिश गुड्स. तो रॉ मटेरियल बच्चे वो जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है इन द फिनिश गुड्स. तो रॉ मटेरियल पे मैं कुछ कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करता हूं. तो जो कॉस्ट मैं इनकर करता हूं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस या फिर अदर एक्सपेंसेस जो भी इनकर कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या आती है, कन्वर्जन कॉस्ट. वर्क इन प्रोसेस बच्चे मेरा वो होता था जो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर करना तो स्टार्ट कर दिया बट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो होता था मेरा वर्क इन प्रोसेस. फिर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा था, हम लोगों ने आज ये पढ़ा था कि भाई रीजंस क्या होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, मैं क्यों इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता हूं. तो भाई सही इनकम मेरे को पता चल सके, मेरे को अपना फाइनेंशियल पोजीशन सही से असर्टेन कर सकूं, मैं अपना लिक्विडिटी एनालिसिस कर सकूं, मैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को मीट कर सकूं, मैं लॉ को मीट कर सकूं. फिर बच्चे मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता था कि भाई हमें जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है वो किस पे करना है, या तो कॉस्ट पे करना है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस. तो कॉस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में हम लोग टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट को मैं लेस करूंगा और कैश डिस्काउंट को मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा. फ्रेट के खर्चे, रास्ते के खर्चे जो भी होंगे वो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा. तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा. फिर कॉस्ट को मैं कंपेयर करूंगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेल एक्सपेंसेस. तो जो भी कॉस्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, विच एवर इज लोअर, मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2. फिर हम लोगों ने बहुत सारे वैल्यूएशन टेक्निक सीखी कि भाई अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है और नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है. तो हम लोगों ने नॉट ऑर्डिनरली के केस में पढ़ा था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम लोगों ने यह सीखा कि भाई जब हम लोग मटेरियल को किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए परचेस करते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को फॉलो करते हैं, और हम लोग जो भी कॉस्ट पे परचेस करके ला रहे हैं वो डायरेक्टली उस जॉब की कॉस्ट में क्या कर देंगे, एट्रीब्यूट कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, ठीक है. फिर इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल के केस में मैंने आपको बताया कि एक तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करते हैं, एक हम लोग कौन सा करते हैं, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. हिस्टोरिकल कॉस्ट में फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज. तो फीफो और लीफो में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा. लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोगों ने सीखा कि भाई जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा. सिंपल एवरेज में हम लोग स्टॉक को मिक्स कर देते हैं और एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं. एवरेज प्राइस मतलब जितनी भी सारी प्राइसेस दे रखी होंगी उसका मैं एवरेज निकालूंगा और इश्यूज अपने एवरेज प्राइस पे करूंगा. वेटेड एवरेज में हम लोग वेट्स दे देते हैं, वेट्स इन द सेंस जिस क्वांटिटी पे परचेस करके ला रहे हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सोल्ड, तो मेरे को एक वेटेड एवरेज प्राइस भी मिल जाता था. फिर हम लोगों ने नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की बातें करी थी. तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस की बातें करी. स्टैंडर्ड कॉस्ट में बच्चे हम लोग कब यूज करते हैं, जब मेरे पास क्या होता है, जब कभी भी मैं फ्रीक्वेंटली परचेज करता हूं और बच्चे परचेज प्राइस में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट एक निकाल लेते हैं कि भाई मेरे को इस कॉस्ट में इश्यू करना है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बारे में. तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्वेंट्री मेथड. तो ये बच्चे रिटेल बिजनेसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा वैरायटीज की होती है तो उनकी कॉस्ट निकालना प्रॉपरली इन्वेंट्रीज का पॉसिबल नहीं हो पाता.
तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस मेरी क्या है, फिर टोटल सेल्स क्या है मेरी। अगर मैं जितने गुड्स मैं परचेस करके लाया हूं वो पूरे के पूरे सेल कर देता हूं, मैं सारे के सारे गुड्स को सेल कर देता हूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा। फिर मैं उसी के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेता हूँ ऑन सेल्स, और मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में से अगर मैं ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देता हूँ तो मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता चल जाती थी। फिर हम लोगों ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, दो तरीके, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं नियर ईयर, नियर द बैलेंस शीट डेट या फिर नियर टू ईयर एंड। फिर हम लोग उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं 31 मार्च की वैल्यूएशन के लिए। पीरियोडिक में हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। परपेचुअल में हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, और साथ ही साथ हम लोग इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तो बच्चे इतनी चीजें हम लोगों ने आज की क्लासेस में पढ़ी थी, आज की क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली, और नेक्स्ट क्लास में जो ये चैप्टर है वो बच्चे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो सर सर क्या आज के लिए हमारे पास कोई होमवर्क नहीं है? तो बच्चे मेरे साथ होमवर्क आप लोग नोट करिएगा। होमवर्क में एक तो मैंने आपको दे रखा था कि भाई एक क्वेश्चन को आपको शायद सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से भी सॉल्व करना है, ठीक है जी। आपको एक क्वेश्चन को सिंपल एवरेज प्राइस के मेथड से भी सॉल्व करना है, तो उस वो आप करिएगा। प्लस आपको जो होमवर्क में करना है वो क्या करना है, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर टू आपको होमवर्क में करना है, और बच्चे क्वेश्चन नंबर आपको करना है होमवर्क में 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आपको होमवर्क में करना है। फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में जो बची कुची चीजें रह गई वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने जाता हूँ पढ़ाऊंगा आपको मतलब, तो बच्चे वही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, तो इसमें से शायद आपके एग्जाम में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए पीरियोडिक या फिर परपेचुअल से रिलेटेड, या फिर कोई और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा। तो आज की जो क्लास थी वो बच्चे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी। और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उससे रिलेटेड हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और जो चीजें मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो बच्चे वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो फिर मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, आप लोगों को बस इन दोनों क्वेश्चंस को करना है और आज की क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए आपको खुद से भी करना है एक बार। तो चलो बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइस, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।